Let's start. Nature of auditing, friends. Chapter number one. हमने इसमें से काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसेज के थ्रू या इंट्रो के थ्रू कवर कर लिए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन हम लोगों का टाइम काफी सेव हो रहा है. आप ऑडिट कर सकते हैं, टेस्ट चेक कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑडिट, हु इज एन ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर टिक करें. क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, देन इज इसको टिक करिए, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स. देन टाइप्स ऑफ एरर्स टिक करिए प्लीज. देन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. टाइप्स ऑफ फ्रॉड जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है यहां से. रीजन बहुत सिंपल है, जो आपको हैंडआउट्स मिले हैं समरी में वहां पे SA-240 है. SA-240 रिवाइज, उसके थ्रू ये कवर हो जाता है पूरा. मोर ओवर हमने पूरे ऑडिट में इनफैक्ट फ्रॉड के रिगार्डिंग काफी बात करी, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट्स की बात करी. सो सारा उसी का एक क्रक्स है एक जगह पे, SA-240 रिवाइज. ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन आपने टिक कर लिया दोस्तों. देन वी हैव ऑलरेडी डन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, रिमेंबर जस्सी. ओके, देन इज इंडिपेंडेंट ऑडिट, इसे टिक करिए. एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट को भी टिक करिए. टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड रिलेशनशिप विद ऑडिट एंड अदर डिसिप्लिन. हम कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ेंगे कि यू नो विच सीम्स कि नहीं नहीं यार ये तो कवर हो गया हैप्पीजेडली. नो, नथिंग डूइंग लाइक दैट. ठीक है, ध्यान से आइए इसको स्टार्ट करते हैं. क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, रुकिए बताइए क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्या क्या हो सकती है. राइट, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट लगा दिया आपने. बिल्कुल, मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं जब एग्जाम आता है, लेकिन ICAI के सामने आंसर कुछ और होगा. उनके सामने कुछ स्पेसिफिक आंसर है वो चाह रहे हैं. आइए अब 1.5 पे चलते हैं. हां जी, 1.5 क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्या दे रखा बेटा, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. ऑल राइट, FCA किट्स हैं हिट. FCA किट्स हैं हिट. F क्या है, फर्मनेस. C कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो सेम है. A क्या है, अलर्टनेस. पहले इन तीन को याद करते, F, C एंड A. ऑल राइट, फर्मनेस देखते हैं. द ऑडिटर शुड बी क्लियर इन हिज माइंड, दैट इज वेरी क्लियर अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव, एंड शुड टैक्टफुली हैंडल. डर्टी माइंड नहीं बोल रहे, क्लियर इन हिज माइंड का मतलब डर्टी माइंड नहीं होना चाहिए. द ऑडिटर शुड बी क्लियर इन हिज माइंड एंड शुड टैक्टफुली तरीके से हैंडल करनी चाहिए वेरियस सिचुएशंस. सिर्फ वर्ड लगा दिया आगे, फर्मली. राइट, जहां पे झगड़े होने की आपको लग रही है, उम्मीद है कुछ होने वाला है, तो भैया सोच समझ के. आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, नहीं जी ऐसे थोड़ी ना काम होता है, भैया हम ऑडिटर हैं, हम ये चेक करेंगे. फिर चाहे वो आपके पीछे, समझ रहे हैं आप, लठ लेके भाग रहे हो, विच एवर इज एप्लीकेबल. सो पहला केस कौन सा है, फर्मनेस. सो ऑडिटर शुड बी क्लियर इन हिज माइंड एंड शुड बी टैक्टफुली हैंडल वेरियस सिचुएशंस फर्मली. सी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या पॉइंट है दोस्तों, नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट टू एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइड पार्टी. डन. अगला पॉइंट है अलर्टनेस. अलर्टनेस, सब ठीक, वो किताब नहीं लेकर आया लगता है एक छोरा, क्या हो गया, याद नहीं. अच्छा पक्का ना, ज्योग्राफी की तो लाया होगा, वो निकाल ले. अच्छा ऐसे कैसे, हाँ जी अलर्टनेस जरा देखिए. अलर्टनेस फ्रेंड्स, ये आपने पॉइंट पढ़ा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. अब आप देखिए, कहीं ना कहीं स्केप्टिसिज्म अलग से भी दे रखा है. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना
आईसीआई इस आंसर में स्पेसिफिकली थोड़ा सा मैकेनिकल हो रहा है, स्पेसिफिकली किसके हिसाब से? स्टूडेंट्स के लिए, हाँ यार कि ये आंसर है, ये पॉइंट्स होने चाहिए। जनरली आप देखो एफसीए किट से हिट में वो पॉइंट्स हो रहे हैं जो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स में करे थे, लेकिन थोड़ी सी आवाज हल्की, थोड़ी सी हाँ, लेकिन अब वो फॉर्मनेस तो शायद हम नहीं लिखते, यस और नो? हम लिखते ही नहीं, वो नंबर कट गया वहां पे। सो दे आर लुकिंग फॉर दिस स्पेसिफिक आंसर। बताइए एफ क्या है? सी, ए, अलर्टनेस टू व्हाट? इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, इंडिकेटिंग व्हाट? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड्स। देन इज नॉलेज, किट्स पर आ गए हम, किट्स के नॉलेज, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज की बात, हमें हमेशा अपनी नॉलेज अप टू डेट रखनी चाहिए, पड़ोसियों के बारे में नहीं, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। श्योर, एन ऑडिटर मस्ट पोजेस थॉरो नॉलेज, थॉरो नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस, कीप हिमसेल्फ अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट चेंजेस इन व्हाट? हाँ सर, हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल भी हो रहा है AS 10, चेंजेस इन AS 10, राइट, देन लॉस कंपनी एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, डीमोनेटाइजेशन, GST की एप्लीकेबिलिटी, ऑल दीज फैक्ट्स, सो वी शुड बी अप टू डेट। सो हैविंग थॉरो नॉलेज, नंबर वन, आई वुड प्रोबली राइट इट लाइक दिस, एन ऑडिटर शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द वेरियस लॉज रेगुलेशंस, एंड नंबर टू, कीप हिमसेल्फ अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डन। देन थर्ड, सॉरी नॉट ओवर हियर, He should be able to critically review, underline करेगा, critically review FS by using his experience. Experience friends, कहां पे गलती हो सकती है, वहां पे उन areas को ध्यान से check करें। ये बातें तो experience से आप सभी जानते हैं। Audit जैसे सब करना start कर दोगे, अगले audit में आप check करोगे, हाँ यार यहां पे भी गलती हो सकती है। एक client का आपने check करा, जब आप दूसरे client का check करोगे ना, फॉर श्योर उस अकाउंट पे ध्यान जाएगा ही जाएगा, चाहे वो सही भी होगा। यू लर्न, इज इट क्लियर? एफ सी ए किट्स का के तक कर लिए, एफ क्या है? सी, ए, एफ, सी, के, एंड ए, एक बार ऑर्डर में, एफ, सी, ए, के, आई, इंडिपेंडेंस, ही मस्ट बी अनबायस्ड, डिसीजन अपने इंडिपेंडेंटली ले और अनबायस्डली ले। सो द ऑडिटर शुड टेक हिज डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड इन एन अनबायस्ड मैनर। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, टी, टैक्टफुल, तरीके आने चाहिए काम निकलवाने की, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बा ही गैस पे रख देना चाहिए, राइट? So there you are, जने को जला दो। So the auditor should be able to handle various situations arising during the audit thoughtfully. Yes, so situations, please underline करिए, handle various situations thoughtfully. भैया तरीके से कैसे इसका काम निकाल सकता है, यार ये जना तो तैयार नहीं है बताने के लिए, right? कैसे पता लगाए? Surprise checks हो गए, ठीक है, एक जने से। अब जैसे आपने पूछा हाँ ये कितना है अमाउंट, दूसरे से पूछा अच्छा तू बता कितना है अमाउंट, ये सब बात है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसे पता लगती हैं। अब एक बात बताइए, 100 का 25% और 75 का 25% क्या सेम होता है या अलग अलग होता है? पक्का? अच्छा, 100 का 20% और 75 का 25% क्या सेम होता है? पक्का? श्योर? यही तो कैलकुलेशंस है जो हम टैक्टफुली चेक कर रहे हैं, राइट? क्या आपने कैलकुलेशंस ढंग से करी या नहीं करी? फैक्ट्स फिगर्स में उलझाना लोगों को, यस,
सो अप्रोक्सीमेटली सेम परसेंटेज निकलेगी, एक 18 point something% आ रही है, एक 20% डॉट आ रही है, बट क्या गलती होने गई, कहां पे स्कोप है, टैक्टफुल, इज इट क्लियर? चलिए एस देखते हैं, एस क्या है, प्रोफेशनल्स, राइट राइट, दैट इज स्केप्टिसिज्म, दैट इज व्हाट, 3 points से, वैसे अगर आपको याद आ रहे हैं ऐसे दोस्तों में, इट मींस एन एटीट्यूड ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, और तीसरी बात क्या थी, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। देखिए वो वाली बात तो यहां पे निकल चुकी है ऑलरेडी, बचा दूसरी लाइन, ही मस्ट मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ व्हाट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दी क्रिटिकल असेसमेंट। सो दो बातें बेटा पकड़ श्रेया, डन, ओके। बताइए एफसीए किट्स, एस पक्का, के एफ सी ए के आई टी एंड एस, एस टी आई के एफ ए सी के आई टी एस, हाँ ओके। अब हिट कर लेते हैं, एच आई टी, एच क्या है, ऑनेस्ट, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ही शुड बी ऑनेस्ट सिंसेयर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज वर्क एंड इन टेकिंग, कहीं ना कहीं रेपिटेशन है ऊपर जो पॉइंट्स लिखे उन्हीं में से, लेकिन अगर हमें इंस्टीट्यूट मार्क्स दे रहे हैं तो हम लिख देंगे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सर, देखो अगर रेपिटेशन है तो फॉर्चुनेट ही है, राइट, ध्यान से बट लिखने हैं एज इट इज, एंड लास्ट टू पॉइंट्स इज व्हाट, इंटेग्रिटी, ही शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, धर्मा प्रोडक्शन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, यस, मैरिज के बाद योर इन लॉज, यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, पक्की बात, ऑल राइट, नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑडिट फंक्शंस, एंड द लास्ट पॉइंट, गुड टेम्पर, टेम्परमेंट, यू शुड बी कूल ड्यूड या ड्यूड नी, विच एवर इज एप्लीकेबल, राइट, सो देर यू आर, सो ही मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ कीपिंग इन माइंड हिज ऑब्जेक्टिव, क्या फायदा गुस्सा होने का, अग्रेसिव होके, बिलीव मी क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वो कहेगी हम नहीं खेल रहे, ले भैया ये रे सारे डॉक्यूमेंट्स देख ले, राइट, बिलीव मी खुद के ऊपर ही बम फोड़ रहे होंगे अगर आप, बिल्कुल यस, ऑडिट के दौरान ऐसे ही होगा, क्या झगड़ के कर लोगे, वैसे ही 3500 रुपये मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, बढ़ जाएंगे पैसे, कुछ नहीं होंगे, डन, ओके, सो आई गिव यू 2 मिनट्स टू रिवाइज, एफसीए किड्स हैं ये कर क्या रहे हैं हम, ये है क्या वैसे, ओके चलो शुक्र है, चलो एफसीए किड्स से हेट, ओके बिना देखे बताइएगा, टाइम ओवर, हाँ सर 2 मिनट किस लिए दिए थे, ऐसी बेटा बताइए, एफसीए किड्स से हेट, एफ सी ए के एस आई टी, पक्का हेट का टी, ऑनेस्ट पक्का, एच एंड आई पक्का, अगला पॉइंट, एफ सी किट्स एन हिट, फिर से टी पक्का, एफ सी ए के आई टी पक्का, और टी पक्का, टी टी दोनों कर दिए इकट्ठे, एस पक्की बात, एच एंड आई एंड टी, चलिए एक बार ऑर्डर में करते हैं एंड देन यू मूव ऑन, एफ सी ए किट्स हैं हिट, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑरिटर, एफ सी ए के आई टी एस एच आई एंड टी, क्वालिटीज ऑफ एन ऑरिटर, क्वेश्चन बढ़िया उसी के नीचे लिखा है, चार नंबर में 10 पॉइंट, बड़ा चुभ रहा है सर हमें, लिखना है तो लिखना है, देखिए आई गेस वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ सीए एग्जाम इज दिस ओनली,
कि कई जगह 4 मार्क्स में आपके 3 पॉइंट भी सफिशियंट है और कई जगह 4 नंबर में 10 पॉइंट भी लिखने पड़ सकते हैं। याद करिए स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट में आप जो है 8 नंबर में 10 पॉइंट भी काफी है, सफिशियंट था। कई जगह 8 नंबर में 8 पॉइंट भी बहुत था। सो दैट मींस वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि यार क्वेश्चन कितने मार्क्स तक का आ सकता है और उसमें कंटेंट क्या लिखना है। दैट मींस वी रिक्वायर अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। एटलीस्ट गो थ्रू तो कर ले मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट? सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए जी, अब हमारे बीच आ रहा है दूसरा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। बच्चे बताइए एरर्स और फ्रॉड्स में क्या डिफरेंस होता है? पक्की बात, इंटेंशन का फर्क होता है सिर्फ, राइट? जहां पे हम दूसरे को टेंशन देना चाहते हैं तो हम फ्रॉड कर देते हैं, और जहां हम जानबूझ के टेंशन नहीं देना चाहते उसे हम एरर्स कह देते हैं। पक्का? सो जरा देखिए डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या बोल रहे हैं हमें। वेयर मिस्टेक्स अकर इन अकाउंट्स एंड अदर फील्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स और कमियां, ह्यूमन मिस्टेक्स और इनएफिशिएंसीज एंड आर अन इंटेंशनल। दोनों बातें, गलतियां हुई हैं लेकिन ये अनइंटेंशनल हैं, दे आर कॉल्ड एरर्स। एरर्स और फ्रॉड क्या है? वेयर मिस्टेक्स आर कमिटेड इंटेंशनली, किस लिए? फॉर मेकिंग पर्सनल गेन्स, अपने फायदे के लिए या आपसी फायदे के लिए आपने क्या करा, आपने गड़बड़ी कर दी, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रॉड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? सो इनको हम फ्रॉड्स बुलाएंगे। श्योर? याद करिए कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, राइट? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मैनेजमेंट, ओवर राइडिंग द अथॉरिटी, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दैट इज फ्रॉड्स। नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स आ रहे हैं हमारे सामने, किस तरह के एरर्स हो सकते हैं आइए जरा देखें। टोटल मिला के आपके पास 11 टाइप के हैं, राइट? लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट। देखिए कुछ एरर्स सेम हैं लेकिन उनके इंडस्ट्री में नाम अलग अलग हैं, सो ध्यान से करिएगा। पहला एरर कौन सा आ रहा है? सेल्फ रिवीलिंग एरर। सेल्फ रिवीलिंग ऐसा एरर जो ऑडिट के दौरान हमारे सामने आ जाए, रिवील हो जाए एंड वो ठीक कर दिया जाए। देखिए द एरर्स दैट शो अप देमसेल्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, शायद हम लोग भी अकाउंट्स बनाते हुए कई बार कर देते हैं। एक्स का अकाउंट वाई में पोस्ट कर दिया लेकिन जब हमने चेकिंग करी तो उस टाइम हमारे सामने आ गई कि अरे यार ये एंट्री तो गलत जगह गई है, रॉन्ग पोस्टिंग। पक्की बात? तो बताइए सेल्फ रिवीलिंग एरर, द एरर विच इज रिवील्ड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ओके, सो पॉइंट होगा और साथ में जनरली एक एग्जाम्पल होगा। अगला कौन सा है दोस्तों, बताइए? सेकेंड, नॉन सेल्फ रिवीलिंग एरर। इसका मतलब क्या होगा? जो अपना आपसे सामने ना आए, ये हम लोग देखते हैं। दीज एरर्स डू नॉट शो देमसेल्फ ड्यूरिंग द ऑडिट। एग्जाम्पल कौन सा है सबसे कॉमन? कैपिटल टू। पक्का? सो कैपिटल को आपने चार्ज कर दिया रेवेन्यू वगैरह में और गलती हो गई, तो ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की तरह हो गया, यस और नो? सो अगर आपके प्रिंसिपल सही हैं, क्लियर हैं, फंडे क्लियर हैं, तो पकड़ लोगे, वरना ये भी रह जाएंगे। दो आ गए, नाम सेम सेम चलते रहेंगे। देखिए जरा, सेल्फ रिवीलिंग, नॉन सेल्फ रिवीलिंग, ये दो क्लब कर दो इस तरीके से, सेल्फ रिवीलिंग, नॉन सेल्फ रिवीलिंग। सो दोज एरर्स विच आर रिवील और शो ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग द ऑडिट, दे आर नोन एज। दूसरी बात, विच डू नॉट डोज देमसेल्फ शो देमसेल्फ ड्यूरिंग द ऑडिट आर नोन एज। ओके, अगली बात करते हैं इंटेंशनल एरर्स, कौन से? ओके, एरर्स कमिटेड टू परपेट्रेट, दैट मींस कमिट अ फ्रॉड ऑन एंटिटी। ऑफकोर्स ये इंटेंशनल एरर्स हो गए, सो दीज विल बी कॉल्ड फ्रॉड। एग्जाम्पल, ये तो इंडिया में सबसे कॉमन है, क्या कहते हो सर? डिमोनेटाइजेशन इसलिए तो लाए थे, है ना?
गुड्स सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स। सही बात। सबसे कॉमन कहां देखते हो ऐसी बातें, सोच के देखो। पेट्रोल पंप पे बहुत होता है ऐसा, स्टेशनरी शॉप्स, कोई सी भी रिटेलर्स के यहाँ बहुत काम आपको मिलेगा ऐसा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल आपको तो दे दिया लेकिन एक्चुअली में अकाउंट्स में नहीं शो किया, राइट। ये जो प्रैक्टिस होती है इसको बोल पता है क्या बोलते हैं, अंडर बिलिंग। क्या बोलते हैं? अंडर बिलिंग करना, अंडर बिलिंग, कम बिलिंग शो करना, एक्चुअल सेल से कम शो करा। इंटेंशनल है, पक्की बात। इज इट डन? तो बताइए, तीन आ गए अभी तक बेटा। पहला सेल्फ रिवीलिंग, दूसरा अगला, तो अगला कौन सा होगा? एरर्स नॉट कमिटेड विलफुली बट ड्यू टू इग्नोरेंस और लक्ष्मी जी लैक्सिटी नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस। ऑल राइट, सो लैक्सिटी, रिलैक्स कर गए। ऑल राइट, सो ड्यू टू इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। हां जी, क्या लिखा हुआ है? वही, किससे मिल रहा है ये? सेल्फ रिवीलिंग से मिल रहा है, यस और नो? सो देयर यू आर फ्रेंड्स। फोर, पहला कौन सा? सेल्फ रिवीलिंग, दैट मींस जो ऑडिट के दौरान सामने आ जाए। दूसरा नॉन सेल्फ रिवीलिंग, दैट मींस व्हिच डू नॉट शो देमसेल्फ्स ड्यूरिंग द ऑडिट। थर्ड इंटेंशनल, क्या होगा? एरर्स कमिटेड विलफुली टू परपेट्रेट अ फ्रॉड, टू कमिट अ फ्रॉड, एग्जाम्पल गुड सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगला अनइंटेंशनल, इंटेंशनल क्या होगा इसका मतलब? कमिट ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक्सिटी। आज से सर हम लैक्सिटी वर्ड यूज करना स्टार्ट करते हैं, यस, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट? ऑलराइट, सो लैक्सिटी, या व्हाई यू सो लैक्सिटी, राइट? ओके, सो समझ में नहीं आया उसको, क्या बोल गए, राइट? सो नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एग्जाम्पल कौन सा है? यस, रॉन्ग पार्टी। देन इज कंसील्ड एरर्स, फ्रेंड्स नाम में ही मतलब छुपा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? यस, छुपाना। ओके, एरर्स इंटेंशनली कमिटेड टू कंसील फैक्ट्स एंड टू कमिट फ्रॉड्स। फ्रेंड्स जरा एग्जाम्पल पढ़िए, ऐसे काम अपने अकाउंट से बहुत करें। और फिर 500 रुपए ढूंढ रहे होते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही 500 रुपए से, राइट? यस और नो? सो 500 रुपए से डिफरेंस आ रहा है, वो 19,500 और 20,000 नहीं नजर आ रहा होता, कहां कहां गया? 500 रुपए की एंट्री ढूंढ यार सबसे पहले, तो कहां डिफरेंस हो सकता है? चल 500 इसी तो टैली नहीं हो रही, बाकी सारा तो टैली हो गया। अभी इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट जनरली आप बोलो कंसील्ड, सो यू आर टॉकिंग अबाउट कंसील्ड फैक्ट्स एंड टू कमिट फ्रॉड्स। However, they may be unintentional भी हो सकता है। Example जरूर लिखना है साथ में। Is it clear? Sure. चलो जी, next point. Done है बेटा? Next. Unconcealed error without any. इसको किसी और नाम से बता सकते हो? ऊपर लिखे हुए दो किसी error से compare कर सकते हो? One is self revealing, दूसरा unintentional. सिक्स हो गए फ्रेंड्स। पहला सेल्फ रिवीलिंग, दूसरा अगला इंटेंशनल, अगला नेक्स्ट एंड देन अगला कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ द सेम अमाउंट, बैलेंस शीट तो टैली होगी होगी। हाँ हाँ हाँ, चाहे गलत अमाउंट से हो तो गई, राइट? हाँ जी, इससे किस पे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज देखिएगा। कॉम्पेंसेटेड बाय अनदर एरर, एग्जाम्पल ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ सेम अमाउंट। एक डेबिट आपने नहीं करा, एक क्रेडिट आपने नहीं करा, सेम अमाउंट से। ओके, दिस एरर डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस बट मे इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। हां जी, डेप्रिसिएशन सोचिए, एक आपने बैलेंस शीट में नहीं शो करा और एक जगह आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी पीएनएल, फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ फर्क पड़ जाएगा, एक प्रॉफिट जो आपका लायबिलिटी साइड पे जा रहा है और इधर असेट्स, दोनों कम शो हो जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। इज इट क्लियर? सो ब्लॉक बनाइए, डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस बट मे इफेक्ट
प्रॉफिटेबिलिटी इफ वन एरर इज इफेक्टिंग असेट्स एंड देन अदर रेवेन्यू आइटम. एग्जाम्पल लिख लीजिए डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज इट क्लियर? श्योर. चलो जी, कॉम्पेंसेटिंग एरर. एंड अगला कौन सा? देखिए, दिस वॉज नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, नाउ दिस विल बी इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. ऑमिशन टू पोस्ट अ पार्ट ऑफ द एंट्री. यहां पे डेबिट क्रेडिट दोनों ही डाले थे. आपने एक एंट्री तो पोस्ट कर दी डेबिट साइड पे, बट क्रेडिट उसका पोस्ट करना भूल गया, रह गया. जनरली इस टाइप का एरर कहां पे होगा, मैनुअल में या इलेक्ट्रॉनिक में? मैनुअल में होगा ना, पक्का. हमसे भी कई बार होता है, कई बार मल्टीपल पेजेस चल रहे होते हैं, दो तीन एंट्रीज इकट्ठी कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेजेस पे पोस्ट करनी होती है, दो हो गई, तीसरी भूल गए. सो दैट इज व्हाट दिस विल बी इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में तो डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली इकट्ठे ही हो जाते हैं. सो कोई ना कोई अकाउंट चाहे गलत ही क्रेडिट होगा, लेकिन होगा जरूर. इज इट क्लियर? श्योर. लिख लीजिए यहां पे, जनरली दिस हैपन्स इन केस ऑफ मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जनरली दिस हैपन्स इन केस ऑफ मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आर वी क्लियर? सो वन इज इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड द अदर इज नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. वी हैव डन 8. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8. अगले वो जो हमने बचपन से करते आए हैं, कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. हां जी, एग्जाम्पल क्या दे रखा है? साथ में और क्या दे रखा है बेटा? एरर डज नॉट इफेक्ट बट मे इफेक्ट. कैन यू गिव मी एन अदर एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल दैट वी हैव डन इन द क्लास? एक्सीलेंट. लिख लीजिए यहां पे. यस, याद है 143(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे हम लोगों ने बात करी थी टू मेक इंक्वायरी एंड टू रिपोर्ट ओनली इफ एनी डिस्क्रिपेंसी found whether the loans and advances made by the company have been shown as deposits. Error of principle. Galat head mein show kara. So likhiye example. Bahut log simply capital versus revenue likh kar aayenge. Hum ye add karke aayenge if it comes. Okay. Loans and advances made shown as deposits. All right. Next, error of omission. Error of omission क्या होता है? Entry नहीं post करी. सियाप्पा, खत्म. Right, entry यार तो आती नहीं, छोड़े से हटाई दे. ना debit होगा ना credit होगा, amount ignore मार दे. Yes, so there you are. This is what transaction not. हाँ जी, क्या दे रखा है? Totally or partially. Example, purchase entry either not entered fully or not entered at all in the books. हाँ जी, these errors affect what? क्या कहते हो? Purchase की transaction अगर enter नहीं हो गया, sales की transaction enter नहीं होगी, तो profitability तो effect होगी होगी. बिना पेज पलटे, error of omission है तो अगला कौन सा होगा? Commission. Error of commission में क्या होगा? Entry तो होगी, लेकिन गलत entry post करी होगी. Committing an error. So error of commission. Wrong recording of a transaction. What it says? Wrong amount brought forward, entry entered twice, totaling error ko casting error bhi bola jata hai. Kya bola jata hai? Casting error. Galat amount cast kara gaya, project kara gaya, casting error. Theek hai? So and then you are that these errors may or may not affect trial balance. It depends ki kaun sa amount debit credit galat kara gaya. Bahut zyada ye dekha jata hai,
देखिए जब आप ऑडिट एक्चुअली में करते हो प्रैक्टिकली, इन बातों पे ध्यान बहुत कम रह जाता है हम लोगों का। बाद में पता लगता है जब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, बैलेंसेस कर रहे होते, अरे यार डिफरेंस आ रहा है, अब चेक करना स्टार्ट करो, राइट। सो हम अपनी फर्म में क्या करते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। व्हाट वी डू इन अ फर्म दैट हम एक एक्सेस एंड डेफिसिट अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा? एक्सेस एंड डेफिसिट अकाउंट, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन हम साफ अपने आर्टिकल्स को बोलते हैं कि बेटा जो ट्रांजैक्शन को समझ में ना आ रही हो या जिनके रिगार्डिंग शक हो, एक तो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना और एक्सेस एंड डेफिसिट अकाउंट में उनको डालते रहना। तो आपने रिकॉर्ड कर ली सारी एक बारी में, फिर सिटिंग होती रहेगी, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, एंड देन फाइनली कितना अमाउंट है, मटीरियल है इमटीरियल है, ये सब पता लग जाएगा। एंड देन वी हैव अ डिस्कशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, एंड देन वी फाइनली डिस्कस व्हाट टू डू विद इट। ओके, सो इट्स लाइक अ सस्पेंस अकाउंट बट येट नॉट शोन एज अ सस्पेंस अकाउंट, राइट। सबसे ज्यादा कहां पे और आ सकता है आपके सामने, कई बार रिटेलर्स को ऑडिट करते हुए वो राउंडिंग ऑफ करके आपने देख रहे हो तो पर्ची वगैरह, तो एक्सेस डेफिसिट कितना है, कितना राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये बहुत आते हैं अमाउंट्स। अब वो नॉमिनल हैं कितने हैं ये देखना पड़ेगा। इज इट डन? श्योर। चलो बेटा अभी तक आपने तीन करे, मैं चाहूंगा कि अब 9, 10, 11 को इकट्ठे क्लब करेंगे, और 11 तक बताइए कौन से हो गए। डोंट टर्न द पेज अराउंड, बताइए। पहला सेल रिवीलिंग, नॉन सेल रिवीलिंग। अगला इंटेंशनल अनइंटेंशनल, देन कंसील्ड अनकंसील्ड, देन कॉम्पेंसेटिंग एंड, अब ये मत बोल देना अनकॉम्पेंसेटिंग, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, देन एरर ऑफ, एंड देन एरर ऑफ कमीशन। लास्ट कौन सा, जरा पढ़ के बता सकते हो? ना ना, ये कौन सा एरर है, इसका कोई और नाम बता सकते हो? वेरी गुड, इंटरनल कंट्रोल्स में कमियां, जरा पढ़ के देखो आपको पता लगेगा। डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स एक तरीके से, डिम याद है, डिम डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस और वेरियस प्रोसेस, तो इंप्लीमेंटेशन। सो लिख लीजिए यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स, आसानी रहेगी आपको। सो व्हेन एरर्स अकर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर व्हाट, रिसोर्सेस एंड ट्रांजैक्शंस, सो दैट द परपेट्रेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एम्प्लॉयज इज अवॉइडेड। कंट्रोल इसलिए बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज फ्रॉड ना कर पाए। सो आप सिंपली लिख भी सकते हो उसको, प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द रिसोर्स एंड ट्रांजैक्शंस सो दैट द एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू कमिट अ फ्रॉड, सिंपली। अगला, वेयर एरर्स अकर ड्यू टू, इसको भी आप प्रोसीजरल एरर्स ही बोलेंगे पक्का, एंड देन मे बी अनइंटेंशनल और इंटेंशनल। अब एम्प्लॉय रोज आ रहा है, अपना कार्ड स्वाइप करता ही करता है, अटेंडेंस लगाने के लिए पंचन करता ही करता है, बट किसी दिन भूल गया, तो दिस मे बी अनइंटेंशनल एज वेल, राइट। सो एग्जाम्पल आपके सामने है, प्लीज एक बार ही पढ़िए, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक एग्जाम्पल को टिक कर लीजिए प्लीज, दैट विल बी द बेस्ट। सो प्रोसीजरल एरर्स, इज इट डन? क्या बेटा? जो गुड्स रिजेक्ट हुए थे, जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट करे थे गुड्स, अब उनको आपने इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ भी उनके रिगार्डिंग कोई कंट्रोल नहीं बना रखा, या जो कंट्रोल बना भी रखा है तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अब सोचिए वो जो रिजेक्ट हो गए गुड्स, उनको सेल कर दिया गया, उनसे कुछ रेवेन्यू आया होगा, वेदर दैट इज अकाउंटेड फॉर और नॉट, क्या वो वापस करे गए या नहीं करे गए, कहीं उनको अनबिल्ड सेल्स तो नहीं दिखा दी, ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट,
सो कोई भी एक एग्जाम्पल लेकिन टिक कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में उसको लिख पाए. एनीवन, इफ यू आर थ्रू लेट्स रिवाइज दिस 11 एंड देन वील मूव ऑन. बताइए पहला कौन सा, सेकेंड, थर्ड इंटेंशनल, फोर्थ अनइंटेंशनल, फिफ्थ कंसील, सिक्स सेवेंथ, एट नाइन्थ, टेंथ ओमिशन, देन इलेवेंथ एंड आखिरी प्रोसीजरल. पक्का लास्ट, सेकेंड लास्ट, हाँ थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, पक्का सिक्स्थ लास्ट, पक्का श्योर. अच्छा फोर्थ लास्ट, पक्का थर्ड लास्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ. क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए क्या लिखा है. हाँ जी, एरर्स और डुप्लीकेशन इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, वन एंट्री एंटर ट्वाइस, सो ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट पक्का, लेकिन क्या इफेक्ट हो सकता है पक्का, तो ये कौन सा हुआ ये एरर, एरर ऑफ, पक्की बात श्योर, सही यही लिखा है यहां पे आंसर में ना. सो टू मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था छोटा सा, एंड बिलीव मी इस क्वेश्चन ने बहुत स्टूडेंट्स को तंग किया, दो टाइप के स्टूडेंट्स को काफी तंग हुए होंगे डेफिनेटली, एक वो जिनका अकाउंट्स थोड़ा सा वीक है राइट, दूसरे वो कुछ तो इसमें होगा यार, ये दो नंबर का कैसे आ सकता है, माय गॉड देखो सबकी नजर कैसे आ रही है, हाउ टू क्लोज अ फैन राइट. अच्छा वो पॉकेट में रख के थोड़े लेके जा रहे घर फैन. डन, हाँ जी क्या बात करिए अभी हमने, फैन पे ध्यान करो, नहीं यहां पे ध्यान दे लो यार अभी. सो सिंपल बात है, एरर ऑफ, जब आप बोल रहे ट्वाइस अ ट्रांजैक्शन व्हाट इज हैपनिंग, कि भैया एरर ऑफ डुप्लीकेशन इज एन एरर ऑफ कमीशन. सो ये आपने क्लियरली लिखना है. स्टूडेंट्स जो है कई बार इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस टॉपिक को, आ ही नहीं सकता कुछ, बिलीव मी आईपीसी में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, पूरा आठ नंबर का क्वेश्चन. क्यों, अगर एग्जामिनर के दिमाग में फितूर चल रहा है कि यार इस बारी कुछ अनएक्सपेक्टेड डालता हूं, सिंपल बट अनएक्सपेक्टेड, लो जी स्वाहा, जना ठीक है लो स्वाहा, हमने भी छोड़ दिया. सो देयर यू आर, सोचिए अगर ये क्वेश्चन स्पेशल ऑडिट के साथ आ जाए तो. राइट राइट, स्पेशल ऑडिट या कोई ऐसा टॉपिक के साथ जो आपने अच्छे से कर रखा है तो फंस सकते हो ना. सो अच्छी तरह से, इज इट डन, टाइप्स ऑफ एरर्स डन दोस्तों. आइए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन पेज 1.13 राइट. बहुत मजेदार सा टॉपिक है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. हां जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, कैन यू जस्ट टेल मी, क्या बता सकते हो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में, क्या फर्क होता है बेसिकली. एनीवन एनीवन एनीवन, पढ़ने के बाद मत बोलना प्लीज. विच इज मोर डिटेल्ड, इन्वेस्टिगेशन, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन मीन्स 100% चेकिंग, जबकि ऑडिट इज टेस्ट चेकिंग. सो वेन यू हैव बीन टोल्ड कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है इन डेप्थ, इन डिटेल चेक करना है, अब आपके सामने एक अकाउंट रख दिया गया और आपको बोला जी ये अकाउंट चेक करके बताओ कि इसमें कोई फ्रॉड है या नहीं, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप उसे जितने भी ट्रांजैक्शंस है उन सभी को इन डेप्थ चेक अगर कर रहे हैं
सो देन यू आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन वर्क, राइट? बट अगर आप टेस्ट चेक बेसिस पे कर रहे हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग ऑडिट. इज इट क्लियर? तो जरा देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स. बड़े आराम आराम से करना प्लीज डेफिनेशन. इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. ब्लॉग बनाइएगा प्लीज स्पेशल पर्पस पे. सो इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस एंड विद प्री कंसीव्ड नोशंस. आई होप समझते हो आप प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब. प्रिजम्पशन, बिलीफ. प्री कंसीव्ड नोशन याद ना रहे वर्ड तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रिजम्पशन या बिलीफ. ठीक है, सूटेड टू दी ऑब्जेक्टिव. देखिए, जब आप बात करें क्रिटिकल एग्जामिनेशन, दैट मींस आप क्या बिलीफ रख के सकते हो कि हां जी, ये जो अकाउंट हम चेक कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि कोई फ्रॉड है. प्री कंसीव्ड नोशन, प्रीजम्पशन. ऑलराइट, सो बताइए व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? शाबाश, इट इज अ ऑफ व्हाट अकाउंट्स विद अ प्री कंसीव नोशन सूटेड टू द ऑब्जेक्टिव. जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से. हां जी, एग्जाम्पल पढ़िए क्या लिखा हुआ है. राइट, सो वेयर द मैनेजमेंट थिंक्स कि हां जी कोई फ्रॉड हो सकता है, हमें बुलाया जा सकता है, ऑडिटर को बुलाया जा सकता है कि आप आइए और चेक करिए अकाउंट्स और बताइए कि क्या फ्रॉड कोई है या नहीं है. एंड इफ इट एग्जिस्ट तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व और किस तरह का ये फ्रॉड, क्या ये इंटरनल है, क्या ये एक्सटर्नल है, क्या कोई नॉन कंप्लायंसेस है, व्हाट इज इट. सो काइंडली लेट अस नो. सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन. ऑफ कोर्स बताइए, अब आप डेफिनेशन बताएंगे. इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स आगे विद अ स्पेशल पर्पस एंड प्री कंसीव्ड नोशंस सूटेड टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या, उसके हिसाब से हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं. एग्जाम्पल जरूर लिखना है साथ में. जबकि ऑडिटिंग की डेफिनेशन आप वही लिखेंगे ऑपोजिट पेज पे जो आपके सामने ऑडिटिंग की आपकी डेफिनेशन है. आइए जरा वो पहली क्लास में चलते हैं अपनी. कितनी मजेदार थी सर वो क्लास. इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एन irrespective of the nature and size with the objective of expressing an thereon. Whereon? Thereon. Pakka. Whether they give a true and fair view. Bas wahi likh denge. Sure. To yahan pe tumne likh diya same as intro. Definition. Okay. All right. उसके नीचे नीचे जो पार्ट पॉइंट थ्री में लिखा हुआ है, सुना सुना है, सुना सुना है, क्या कहते हो? 143 सबसेक्शन 12, ड्यूटी टू फ्रॉड या ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड? ड्यूटी टू फ्रॉड ना, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड. याद है, 1 CR या उससे ज्यादा का होगा तो हमने सीजी तक को भी रिपोर्ट करना था विद इन 60 डेज. याद है बात, ADT 4 पढ़ा था यहां पर हमने, MCA ने सील्ड कवर भेज दिया था. कुछ याद आया? राइट, समझ गए बात. बट अगर लेस देन 1 CR था तो सिर्फ हमको किसको कर रिपोर्ट करना था? ओनली टू द बोर्ड और ऑडिट कमिटी. पक्की बात? और वो सिर्फ अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं. नास या नास, याद कुछ याद आ रहा है? नाप या नापा, NAP. N क्या है? नेचर ऑफ फ्रॉड, देन इज अमाउंट ऑफ फ्रॉड, देन P इज पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन, एंड A क्या था? एक्शन टेकन. कुमार जी थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा हल्का कर दीजिए. इज इट क्लियर? श्योर है हम? पक्का? चलो सर देखो, हाँ थोड़ी सी आवाज, बस 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 बस, ठीक है ठीक है. ओके, इज इट डन? श्योर. तो सर अब ये बात बताओ, क्या ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन अगर आएगा तो क्या हमें लिखना है या नहीं लिखना? आपके दिल से जो आवाज आ रही है बिल्कुल सही है. ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन अगर लिखने को आए तो हमें सिर्फ हेडिंग लिखनी है, द ऑडिटर हैज द ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स अंडर सेक्शन
बस ऑफ विच एक्ट 2013। बस नीचे का पार्ट काट देना, बस ये काट दो। कितना कहां तक, ध्यान से भावुक मत हो, पूरा पेज काट दीजिए नीचे तक। नेक्स्ट पेज पे आराम से कंट्रोल करते हुए अपने हाथ चलाएं। इज इट डन सर? कहां तक काटा आपने? यहां तक। ओके नेक्स्ट पेज कुछ नजर आ रहा है? पूरा पेज काट दो अगला। हा, 143-12 है दोस्तों, पक्का? ओके प्लीज अब ऑपोजिट पेज मत काटना प्लीज, वो इंपॉर्टेंट है। पारो की कैट आ रही है वहां पे, यस पारो की बिल्ली, पारो की कैट, यस। सो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, डन बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? पक्का? ऑल क्लियर? पारो की कैट ये है क्या? ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेंड्स नीचे क्वेश्चन देखो कितने नंबर का है भाई, 8 मार्क्स, राइट? इस डिफरेंस बिटवीन के थ्रू सिर्फ इतना याद दिलवाना चाहूंगा कि आपके जो भी थ्योरी पेपर्स हो, अगर डिफरेंस बिटवीन आते हो, सो सिंपली प्लीज पुट इट इन टैबलो फॉर्म विद एटलीस्ट दीज 3 कॉलम्स, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देन द हेड्स। दो फायदे होंगे, एक तो आपको बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, क्लैरिटी ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा, टाइम सेविंग, एंड दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन दैट यू कैन गिव फॉर डिफरेंस बिटवीन। ओके दिस विल फेच यू द हाईएस्ट मार्क्स, राइट? सर इसका मतलब तो ये भी हो कि अच्छे से डिफरेंस नहीं आते तो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखने चाहिए, राइट? तो बेटा ये तो वो बात हो गई ना, लेकिन जितने आते वो तो ढंग से लिख दें। अगर ग्रुप 2 है सिर्फ, आपको आपको पता है कि ITSM में डिफरेंस बिटवीन कुछ ना कुछ तो आती है, एक एक दो दो, सो वहां पे जरूर डिफरेंस बिटवीन आपके टैबुलर फॉर्म में होने चाहिए, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, राइट? और अगर आपको ग्रुप 1 भी है सो यू हैव लॉ, राइट? जहां पे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जगह जगह, राइट? तो डिफरेंसेस आई गेस जगह जगह काफी सारे हैं वो, राइट? अराउंड 20-25 डिफरेंसेज हैं वो, सो आप कर सकते हैं। किस किस के बोथ ग्रुप्स हैं यहाँ पे? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। ओके हमारे 3 मार्च से स्टार्ट हो रही है सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, सो प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। एटलीस्ट जितना प्रिपेयर हुए हुए उसके बेसिस पे ही पेपर जरूर लिखें। सो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स, ओके? सो टाइम वही 2 to 5, रीच हेयर क्वार्टर टू। सर आप मजाक कर लो हमारे साथ, हम तो सुन रहे हैं सिर्फ, वो कह रहे हैं सर आप बता लो, मेरी तो ड्यूटी बनती है बेटा, बताना आना ना आना, आपकी मर्जी होती है हमेशा, ऑफ कोर्स। सो सारे होंगे बेटा पेपर्स, सारे पेपर्स सारी डेट्स पर। हाँ तो हाँ, तो तुम लोग आगे या पीछे दे लेना पेपर, इससे पहले दे लेना आके पेपर, हाँ वो कर सकते हैं, ठीक है? श्योर, बिल्कुल पक्का। ऐसे ITSM एक दिन छोड़कर होगा तो ऑफ कोर्स फिर क्लास से क्लैश करेगा, आगे या पीछे दे दो, यानी कि पेपर लीक हो गया तो हम कर लो, पेपर देख भी लोगे कितने लिख लोगे। हाँ सर हालत तो वही होनी है, देखिए, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट, बिलीव यू मी। मैं आपको पेपर भी दे दूंगा ना, उसके बाद भी आप लिखोगे तो भी यू विल फाइंड अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आपको 3 आवर्स बैठ के लिखना है, माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा उस टाइम भी, प्रेजेंटेशन, कौन सा क्वेश्चन पहले करूं कौन सा बाद में करूं, यह वो 20 मार्क्स टेस्ट वाली बात ही नहीं रह गई आपकी जो आपकी स्कूल में होती थी। प्रोफेशनली बहुत फर्क पड़ता है, राइट? प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो आप इवन ICAI की भी जो मॉक टेस्ट सीरीज आती है उनको भी, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर लिख के देखें, राइट? जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है मॉक टेस्ट जरूर लिखो, मार्च में आपका बेस्ट टाइम होता है लिखने का। रीजन, अप्रैल में हम अपने आप को क्या दिमाग में बिठा लेते हैं यार, अब तो टाइम ही नहीं है, अब हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मई में तो एग्जाम है। बेस्ट टाइम टू चेक योर सेल्फ इज मार्च, मॉक टेस्ट सीरीज, सिंपली बिलीव मी। क्यों? एडजस्ट कर सकते हो आप, ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये वो अभी भी सेक्शंस हैं या ये वो पार्ट्स हैं या ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें मेरी गड़बड़ हुई हुई है, राइट? सो प्लीज डू राइट देम। ओके चलो जी, नाउ अब बात आ रही है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। पी
ऑडिट कौन परफॉर्म करता है? ओनली अ, हा 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 ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जबकि इन्वेस्टिगेशन सीए या कोई और जना भी कर सकता है, एनी अदर पर्सन एज वेल। अपॉइंट कौन करता है हमें? जनरली शेयर होल्डर्स, यहां पे मैनेजमेंट कर रही है, खुद इंटरनल पर्पस के लिए भी कर सकती है, तो मैनेजमेंट। ओके, दो आ गए, पी परफॉर्म रहे, बताओ इन्वेस्टिगेशन कौन परफॉर्म करता है? सीए और एनी अदर पर्सन, जबकि उधर वाला पॉइंट पक्की बात सीए। अच्छा, देन ए अपॉइंटेड बार या अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ ऑडिट एंड इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, देन इज आर, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस टू, जबकि दिस इज एड्रेस टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट मीन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एटसेट्रा। इज इट डन? श्योर? ओके, पी ए आर पार हो गया, पारो हो गया है। ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ऑन व्हाट, इसमें क्या लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन में? टू एक्सप्रेस अ, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? स्पेशल पर्पस, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल देखिए क्या लिखा है यहां पे, क्या अकाउंट्स रिसीवेबल में कोई फ्रॉड है या नहीं है, वेदर एनी फ्रॉड एग्जिस्ट इन द अकाउंट रिसीवेबल और नॉट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू अस? श्योर है हम? पारो हो गई जी, बताओ जी। पी ए आर ओ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? टू एस्टैब्लिश और अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल फ्रॉड एग्जिस्टिंग इन अकाउंट रिसीवेबल और नॉट। ओके, आर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन, एड्रेसी है बेसिकली, रिपोर्ट में बेसिकली है क्या? एड्रेसी। आप चाहे तो आप लिख सकते हो रिपोर्ट एड्रेस टू, अब यहां पे वर्ड्स करने से क्या हो गया आपका, यहां पे सेंटेंस छोटा हो जाएगा, रिपोर्ट एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, यहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टैबुलर फॉर्म। ओके, देन पी परफॉर्म बाय इन्वेस्टिगेशन सी आर एनी पर्सन, ए कौन अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? पक्की बात, इस तरफ के जनरली पॉइंट्स हमें पता है, इस वजह से मैं रिपीट नहीं करवा रहा अभी आपको। देन इज कैट का सी, नेचर ऑफ चेकिंग, बताइए यहां पे कौन सी चेकिंग होगी? टेस्ट चेकिंग, बट यहां पे क्या होगी? दैट इज 100% इन डेप्थ, दैट इज 100%। इज इट डन? पक्की बात बेटा। अगला कौन सा पॉइंट है? ए लेवल ऑफ अश्योरेंस, बताइए ऑडिट में कौन सी होती है? दैट इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, जबकि वहां पे क्या होगी? क्यों? 100% चेकिंग है, एक्सीलेंट। सो देयर इज एब्सोल्यूट, जबकि यहां पे हाई लेवल नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज रीजनेबल। ये तीन वर्ड्स हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे। टाइम पीरियड ऑडिट का जनरली ईयरली होता है, एनुअल होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन द अपॉइंटमेंट। आपको एक अकाउंट दिया है चेक करने के लिए, अकाउंट चेक करने के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ट्रांजैक्शंस है। इट मे लास्ट ओनली एन आवर, इट मे लास्ट ओनली अ डे, इट मे लास्ट इवन अ मंथ, सो नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड, डिपेंड्स ऑन द अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। आई गिव यू 2 मिनट्स टू रिवाइज। शुरुआत से रिवाइज करना ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन को पूरा डेफिनेशंस के साथ। इज इट डन? श्योर? चले फ्रेंड्स, यहां पे जो आपके पास लिखा हुआ है 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, आई वुड डेफिनेटली ऐड कि आप डेफिनेशंस भी दोनों इंक्लूड करिएगा। अगर 8 मार्क्स का आता है तो 6 मार्क्स का आएगा डायरेक्ट डिफरेंस, बट 8 मार्क्स में हम डेफिनेशंस भी ऐड करेंगे। लिख लीजिए
प्लस डेफिनेशंस, किसकी, दोनों की, ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग। हाँ बस वो मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो एग्जाम्पल जो लिखा था ना आपने वहां पे इन्वेस्टिगेशन में जो एग्जाम्पल था उसकी जरूरत नहीं है। ओके सो वो था क्या बताइए, इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर अ विद अ प्री कंसीव्ड नोशन सूटेड टू द ऑब्जेक्टिव, बस इतना लिखेंगे। फिर ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन मैंने पहली क्लास से करी थी वही, एंड फिर डिफरेंसेस, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, इट विल फेचेस कंप्लीट कंप्लीट 8 मार्क्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह से, क्लैरिटी से यार, डन। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसके लिए पहले जरा एट द बॉटम ऑफ द पेज देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। कैन यू सी दैट? सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑडिट्स रिक्वायर्ड अंडर एन लॉ। हां जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेम्प्ट इट। काफी 90-95% अटेम्प्ट कर जाते हैं लेकिन कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। यस, कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 5 मार्क्स में से मतलब 3 नंबर तक का सेटिस्फैक्ट्री आंसर लिख देंगे, इनकम्प्लीट आंसर की वजह से मार्क्स बाकी एग्जामिनर भी नहीं दे पाता। ओके नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट? बेसिकली सम आर अंडर लॉ एंड वन इज वॉलंटरी। अंडर लॉ का तो मतलब क्या हो गया, कंपल्सरी है कि आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है, और कई जगह वॉलंटरी, दैट मीन जहां पे आपको ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। बताइए कौन से में कंपल्सरी नहीं होता? ना ना, कहां पे कंपल्सरी नहीं होता? एंटिटीज, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह, जहां पे कंपल्सरी नहीं है, HUF वगैरह, वेर इट इज नॉट कंपल्सरी। तो अगर वो एंटिटीज भी ऑडिट करवाती है तो उनको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी ऑडिट, वॉलंटरीली करवाया जी। चलो उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, वो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है। बट अभी हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑडिट्स अंडर एनी लॉ। 7 है आपके पास, IPC में CBEC, इसका निमोनिक है, याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, अगर एज इट इज 7 पॉइंट याद हो जाते हैं मोर देन इनफ। आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई निमोनिक लगे कि विच इज अनसुटेबल रादर क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस इन योर लर्निंग, रिमूव इट। राइट, जरूरी नहीं है, दो धारी तलवार है, याद आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं है भूल जाओ, इट इज ओनली फॉर सेल्फ हेल्प, क्योंकि वो ट्रिगर कर देता है बस कि हाँ यार ये पॉइंट्स थे, दैट्स इट। ओके नाउ सबसे पहला एक्ट कौन सा है? यस सर, बिल्कुल सही बात, स्पेसिफाइड एंटिटीज, ऑफ कोर्स स्पेसिफाइड कौन सी होगी, यहां पे कंपल्सरी टैक्स ऑडिट्स वगैरह आ जाएंगे, सो स्पेसिफाइड एंटिटीज, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वगैरह भी आ जाता है, यस और नो? 44AB ADAE वगैरह आ जाएंगे, यस और नो? देन पब्लिक एंड रजिस्टर्ड पे ब्लॉक बनाइए अंडर वेरियस रियाज। रियाज क्या है जी? रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स। ये एक्ट का नाम लिखना है, ये वेरियस क्यों लिखे हुए हैं? बिकॉज स्टेट्स वगैरह में सबके अपने अपने स्टेट एक्ट्स हैं, सो रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट्स, रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट, पक्का? सो बच्चे बताओ पहला कौन सा आया? स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन उसके बाद बताइए पी, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर वेरियस रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट। देन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर विच एक्ट? याद है कहां पढ़ा था आपने कभी? बोधरो वालों को तो याद होना चाहिए शायद, EPF एक्ट, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी, पहला ही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, उसी में दे रखा है पॉइंट। ओके सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अगला पढ़ो कंपनीज, ये तो आपको पता ही है कौन सा एक्ट है। ओके आईपीसी हो गया और सी स्टार्ट कर दिया हमने, बिल्कुल ध्यान से अभी तक 4 हुए, आईपीसीसी पे पहुंचे। आईपी, आई क्या है? सिर्फ एक्ट का नाम नहीं लिखना, पूरा लिखना है, बताइए। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, पी, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर वेरियस रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट, पक्का? अगला
cooperative society registered under cooperative societies act 1912 then see again companies boliye registered under companies act 2013 pakka then b banking companies inka act kaun sa hai e kaun sa hai से तो डिलीट हो गया बेटा अकाउंट्स में से डिलीट हुआ है ना ये एक्ट थोड़ी ना उड़ा देंगे पक्का सो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज इनका ऑडिट तो होता है यस और नो वो दिल्ली में कितनी जंग छिड़ी थी यस और नो जब वो झाड़ू वाले आए थे मतलब यार मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट राइट तो उन्होंने बोला था ना हाँ जी इनका ऑडिट करवाओ यस और नो एंड देन फाइनली कॉरपोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारा आईसीए एलआईसी ये सब क्या है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आईसीए का एक्ट का नाम आईसीए एक्ट क्यों एलआईसी का नाम है ना एलआईसी एक्ट 1956 तो आईसीए का क्या होगा आईसीए एक्ट पक्की बात सीए एक्ट 1949 ठीक है सो अच्छा सर बताओ यही है ना पक्का हाँ जी सच एज एलआईसी का एक्ट का नाम लिख लो एग्जांपल एलआईसी एक्ट 1956 दूसरा अपना भी लिख सकते हो आईसीए अच्छा आईसीओ का लीगल स्टेटस क्या है आईसीएआई का लीगल स्टेटस क्या है एनटीओ पहले क्या था वाई वाई दिस चेंज और कुछ और भी कोई रीजन नॉन प्रॉफिट वो कह रहे भाई साहब इतना तो पैसा ले रहे हो आप लोगों से स्टूडेंट को बख्शते नहीं आप स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो भी वो पैसे देता है ठीक है पास भी नहीं होता ठीक है जब वो मेंबर बन जाए उसके बाद भी उससे पैसे लो वो भी ज्यादा अब तो 7000 बढ़ा दिए सीधे 3000 से सीधे 7000 यस तो ये हर साल ये भी पे करो वरना आपकी मेंबरशिप कैंसिल राइट नॉन प्रॉफिट तो आप एनपीओ होगा राइट तो लेकिन हम नॉन ट्रेडिंग हो आप ट्रेड नहीं कर रहे तो चेंज करा गया वरना बिलीव मी आईसीए का लाइसेंस कैंसिल होने वाला था राइट और सारा पैसा जो था उनको बिल्कुल डिस्क्लोज करके टैक्स पे करना पड़ता अच्छा खासा ओके तो सर कितना अच्छा होता हमें लगता है चलो हमारे पैसे से किसी का तो भला होगा राइट अच्छा अब आपके 7 पॉइंट्स हो गए मुझे जरा 7 बता दो आईपीसी में सीबीईसी आई चलो एक्ट्स के नाम बताओ पहले आई पी पक्का सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट देन सी अगेन देन बी ईयर 48 49 पक्का ओके उसके बाद अगला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज एक्ट 1948 देन उसके बाद सी कॉर्पोरेशन सर वो तो देखो डिपेंड करता है सर देखो कौन सा है ना ओके अब जरा नाम बताइए फटाफट से आई का इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा था पूरा पूरा बोलिए एंटिटी स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगला पी पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सेटअप अंडर स्टेट एंड रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट पक्की बात स्टेट नहीं क्या था रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट सॉरी अगला बोलिए जी सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 19 ओके सी ये तो आसान है सर अगला बोलो जी बी बैंकिंग कंपनी सेटअप अंडर अच्छा कोई बैंकिंग कंपनी कोई कंपनी है जिसको कौन से किसी सेक्शन में अपने को रजिस्टर भी करवाना होता है याद आ रहा है जो शाम को भी अटेंड कर रहे हैं क्लास हाँ वेरी गुड आई ए ऑफ द आरबीआई एक्ट याद आ रहा है एनबीएफसी कारो में किया था कारो कुछ याद आया ओके डन लास्ट 16वां क्लॉज राइट ओके चलो जी वापस आ जाओ अब अगला बोलो जी ई अंडर 1948 पक्का ऑल राइट नेक्स्ट कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एग्जाम्पल अंडर एलआईसी एक्ट 1956 डन
फ्रेंड्स ये तो कंपलसरी हो गए, ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया जो आपके बॉटम ऑफ द पेज दे रखा है। अब आ रहा है वॉलंटरी ऑडिट। इसका मतलब सर जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसे वॉलंटरी ऑडिट नहीं लिखेंगे, प्लीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर लिखा है अंडर लॉ, जो रिक्वायर्ड अंडर लॉ है तो कंपलसरी वाली बात आ गई। डन। अब बात आ रही है वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट कौन से होते हैं? जो आप अपनी इच्छा से करवाते हैं, इच्छा, वॉलंटरी। हां जी, अभी अभी आपने नाम पहला पॉइंट एक्चुअली आपने बता ही दिया था। फर्स्ट है दे आर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए प्रोप्राइटर, समझ रहे हो, वर्टिकली लिखेंगे ना, समझ गए, ए प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, देन सी एचयूएफ। ऐसे होता ना, एक अकेला, फिर एक से हुए दो, फिर दो से हुए एचयूएफ, पक्का, फिर धीरे धीरे कंपनी वंपनी सब बनती चली जाती है, राइट, फिर एमएनसी हो जाती है, राइट। सो देयर यू आर, इज इट क्लियर? सो दे आर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप्स एंड एचयूएफ। नंबर वन, देयर इज नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट एज अ मैटर ऑफ इंटरनल रूल्स दैट रिक्वायर्स ऑडिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड ऑन डायरेक्शंस इशूड बाय, तो फर्स्ट पॉइंट तो आया जी ये अकाउंट्स किसका है, टाइप्स ऑफ एंटिटीज आ गई। दूसरी बात बोल रहे हैं जी नो लीगल कंपल्शन, ये तो मैं डालूंगा टाइप्स, और नंबर वन पॉइंट डाल दूंगा मैं तो भैया वॉलंटरी ऑडिट्स, टाइप्स ऑफ एंटिटीज इनके वॉलंटरी ऑडिट हो सकते हैं। सेकेंड, नो लीगल कंपल्शन टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। हाउएवर तीसरा पॉइंट, दे मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, पक्की बात। अब वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह ही चाहे ऑडिट ऑर्डर हो गई हो, या भैया हो सकता है ऑडिट करवाओ अपना, यस, कुछ पता लग रहा है, सस्पिशन हो रहा है, ऑडिट करवाओ, इज इट क्लियर? सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि हमें यकीन हो जाए आपकी बात पर, जो हमने पढ़ रखा हो, आपने पढ़ रखा होगा लेकिन शायद हो सकता है भूल रहे हो, मैं तो ईपीएफ एक्ट में अभी आपको लेकर गया था, बोनस एक्ट करा था हमने, बोनस एक्ट, हाँ बोनस में सर पूछ लो सर थोड़ा सा, आपको याद है बोनस एक्ट में आपने एक पॉइंट करा था, सेक्शन ध्यान से सुनना 25 सेक्शन से शायद याद है, प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, प्रिजम्पशन अबाउट व्हाट, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई तो केस फाइल होता है कोर्ट, आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल में। अब वो अकाउंट्स कंपनी के होंगे, कॉरपोरेशन के होंगे या बैंकिंग कंपनी के होंगे तो एक्यूरेट माने जाएंगे, लेकिन अगर किसी और के होंगे तो पहले कोर्ट, आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर कर सकता है ऑडिट। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ बोनस इवन गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि भैया जाके ऑडिट करवाओ पहले, इज इट क्लियर? श्योर, सो देयर यू आर। दूसरा, अगर करंट अफेयर से एग्जांपल लिखना है आपको तो डीमोनेटाइजेशन का उठा के लिख सकते हो आप, कि गड़बड़े करी है कुछ एंटिटीज ने तो उनका कंपल्सरी ऑडिट करवा देगी उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया तुमने अपनी एंट्रीज दिखाई है, बुक एंट्रीज, तो जरा ऑडिट करवाओ, अभी तक तो टर्नओवर नहीं थी, अब इतनी बढ़ गई तुम्हारी, ज्यादा ही ओवर हो गए तुम, ये सुनो अब जरा टर्नओवर, समझ रहे हो? सो देयर यू आर। अब अगला, इंपॉर्टेंट मोटिव्स लाइज इन द, हां जी, एडवांटेजेस। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट मोटिव्स लाइज इन द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रू एंड फेयर। तो एडवांटेज क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। चार पॉइंट है बेटा, सबसे पहले तो आगे टाइप ऑफ एंटिटीज, सेकंड इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, हाउएवर द गवर्नमेंट मे डायरेक्ट देम टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। एग्जांपल्स दे सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ, आपके पास एग्जांपल्स भी लिखे हुए यहां पे, ग्रांट्स, लोन्स, लाइसेंसेस, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव का है एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ ऑडिट दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, पता लग जाएगा आप अकाउंट सही से बना रहे हो या नहीं बना रहे। कल को आप सोच रहे हो आगे ग्रोथ पर्पस वगैरह के लिए तो क्या ऑडिट करवाना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ऑफकोर्स एज अ सीए तो हम हमेशा एडवाइस करेंगे करवा लो जी, अच्छा ही रहेगा,
सही बात है नहीं? कोई सीए ऐसा होगा जो मना करेगा, ना ना मत करो ऑडिट। एटलीस्ट जब हम सीए बन जाएंगे हम तो नहीं मना करेंगे, अभी तो बोल देंगे नहीं नहीं क्या जरूरत है, राइट? बट कहीं ना कहीं हर एक सीए बोलता है कि हाँ जी ऑडिट करवा लो, राइट? लेकिन अगर देखो इट डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, उसको लगता है नहीं यार सही से गाइड कर दो, हो सकता है इसकी आईटीआर से काम हो जाए, काउंसलिंग कर दी हो गया काम, अदरवाइज अगर लगता है कि अकाउंट्स गलत हैं तो यू शुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ऑडिट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, देन अगली बात, दो ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, मोस्ट ऑफ द ब्लॉग बनाइए ट्रस्ट डीड्स। हाँ जी याद है, ये डीड वो डीड सारी डीड, पार्टनरशिप डीड हो गई, आपने ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करा था वहां पे ट्रस्ट डीड की बात करी थी आपने, राइट? तो ट्रस्ट डीड जो साइन होती है उसमें हो सकता है एक क्लॉज ही डाल दिया हो कि हम ये पार्टनरशिप तभी करेंगे अगर इस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स ऑडिट होंगे, सो इट मे बी ए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। प्राइवेट ट्रस्टीज ऑल्सो रिकग्नाइज द एडवांटेजेस, तो प्लीज लिखिए एग्जाम्पल इन पार्टनरशिप पार्टनर्स मे एम्फसाइज ऑन कंपल्सरी, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स मे एम्फसाइज ऑन कंपल्सरी ऑडिट। जनरली कौन सा पार्टनर जनरली ज्यादा एम्फसाइज करेगा, स्लीपिंग पार्टनर डोमिनेंट पार्टनर कि नहीं नहीं ऑडिट तो करो भैया? यस। एक और पार्टनर कौन से होते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, याद आ रहा है? यस। सो इस तरह के पार्टनर्स जनरली ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं कि हाँ जी ऑडिट जरूर करवाए। तो ट्रस्ट डीड का एक पॉइंट आया, एंड द लास्ट इज ऑडिटर शैल डिटरमाइन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। आई गेस कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट कनेक्ट हो रहा होगा स्पेशल ऑडिट में। याद करिए आपने सोल ट्रेडर को ऑडिट करा था, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म करा था, जहां पे आपने बातें करी थी कि वॉलंटरी ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, बट वहां पे लेटर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए और वहां पे स्कोप मेंशन होना चाहिए। ये वही पॉइंट है, क्योंकि लॉ में तो कहीं स्कोप दे नहीं रखा होगा, तो हमारे बीच जो ताई डिसाइड होगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें स्कोप जरूर डिसाइड होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो इन राइटिंग थ्रू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टू एनेबल हिम टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट वर्क कैरिड आउट। हां जी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, यस और नो? कौन सा पैराग्राफ? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। आर वी श्योर? पक्का? चलो जी। नाउ सो वॉलंटरी ऑडिट पे सेपरेटली ही कोई शॉर्ट नोट आ सकता है, 4 to 5 मार्क्स, नथिंग मोर देन दैट। सो प्लीज बी लेट्स बी वेरी श्योर क्या पॉइंट्स आए। 6 पॉइंट्स आ गए, डिटरमाइन द स्कोप। चलिए, फर्स्ट है टाइप, दूसरा है नॉट कंपल्सरी, तीसरा बोलिए डायरेक्शंस पे हो सकता है, फोर्थ एडवांटेज है, फिफ्थ ट्रस्ट डीड, एंड सिक्स स्कोप थ्रू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर विच ही कैन स्टेट इन हिज रिपोर्ट कि उसने क्या काम करना था। इज इट क्लियर? 6 पॉइंट्स, 4 to 5 मार्क्स, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरह है ये। आप प्रैक्टिस मैनुअल भी देखोगे, आप यू नो लेट्स से आरटीबी भी देखोगे, तो उनमें इस तरह के इक्का दुक्का क्वेश्चंस हो सकते हैं मिल जाए आपको। करने से फायदा क्या होता है, यू एंटर अ कंफर्ट जोन, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ यार ये कंटेंट लिखना है, वरना हम थोड़ा सा रफ आंसर सा रॉ आंसर सा लिखकर आते हैं, हमें खुद ही पता होता है कि इनकम्प्लीट सा कुछ लिखा है हमने। हम लगा तो लेते मार्क्स, बायस होके लगा लेते, बट अल्टीमेटली वी नो समवेयर कि यार इनकंप्लीटनेस है। सो वो अंदर नहीं होनी चाहिए फीलिंग, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, राइट? फॉर दैट प्रिपेयर योरसेल्फ। सर हमें तो कभी भी नहीं होती ऐसी फीलिंग कि हमने इनकम्प्लीट को छोड़ा है, ना ही एग्जाम के टाइम पे ना ही रिजल्ट के टाइम पे। हमारा मेन नोट होता है रिजल्ट पे, तो सभी की भावना एक होती है 50, ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, राइट?
लेकिन एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, एटीट्यूड यही रखिएगा कि फुली प्रिपेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके पास आ रहा एक बहुत बहुत ही कम आता हुआ क्वेश्चन, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एट द बॉटम ऑफ द पेज। सर ये ना इट मे कम इन मे कर रहा है क्वेश्चन, मे 8। सर हम तो लगा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं ईयर का, उस हिसाब से बैठ नहीं रहा ये, लेकिन बेटा यू नेवर नो, कॉमा लग के मे 2017 लग जाए, राइट? सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। हाँ जी, ये वही सब बातें हैं जो हम लोगों ने स्पेशल ऑडिट में करी थी। ओके, स्पेशल ऑडिट में जो करी थी, यस, स्पेशल ऑडिट हमने करा नहीं था, है ना? क्यों नहीं किया था? क्लास मिस करी थी। अब होगा? अच्छा, आप लोगों ने नहीं करा, और बाकी लोगों ने क्या? स्पेशल ऑडिट किसी ने भी नहीं किया यहां पे? क्या कह रहे हो? अच्छा, स्पेशल ऑडिट अभी करोगे। अच्छा, कई लोग वैसे भी, आप लोगों का तो हो चुका है सर, हमारा हो गया है, राइट? ओके, अच्छा, आपका आफ्टरनून बैच है, कई ने इवनिंग के साथ साथ भी तो कर रहे हो ना? ओके, कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ कह रहे हैं हम दोपहर में ही, आफ्टरनून में ही करेंगे, राइट? ओके, कौन कौन है जो आफ्टरनून में, सिर्फ सिर्फ आफ्टरनून में जो है? ओके, 5 ऑफ यू, ओके, बिल्कुल ध्यान से करना है प्लीज, ठीक है? अच्छा, 12 तारीख की कोई छुट्टी नहीं है, कभी आप छोटे छोटी होली को पता नहीं क्या करना है, क्या बैठ के गुब्बारे फुला रहे हैं वहां पे, उससे बैठ के घर, तूने शादी थी तो घर जाना था, राइट? भाई की शादी थी तो अब फिर अब पड़ोसी की शादी होगी तो घर जाना है, राइट? राइट, घर जाना है। बेटा कहां से हो आप, वेयर डू बिलोंग? इधर खोपचे में आ तू, तू तो उस दिन पहुंचेगा नहीं ना, तो तू देख, राइट? सो बिल्कुल ग्रेट, मेरे पता नहीं कौन सी जगह बोल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए 13th की ऑफ कोर्स ठीक है आपकी होली की छुट्टी रहेगी, लेकिन 12 को अगर क्लास पड़ रही है तो डेफिनेटली आपकी क्लास होगी, उससे फर्क है 1 घंटे पहले से क्या हो रहा है? माय गॉड, कोई ट्रेन रोक लेगा, क्या हो जाएगा, डर लग जाएगा। तो अच्छा है, अगर अगर नहीं है तो 2.5 घंटे का है तो यार दोस्त से यहां से भी मिलते हुए चले गए और वहां पे भी मिल लियो। तेरे को कहाँ जाना है? तूने ग्रेटर नोएडा से आगे जाना है, यमुना एक्सप्रेस वे पे जाना है तूने, दूसरी साइड, इस तरफ, किस तरफ, करनाल की तरफ, कहां पे बेटा? ऐसा करते सीपी में रख लेते, सेंट्रल रख लेते क्लास, आसान है, बता, सोनीपत कितनी रेल लगेगी? नहीं होगा तो बस से भी तो चले जाएगा तू, तो फिर बात मत कर अभी ऐसी। हाँ चलो, उस दिन देखेंगे, खैर एनी हाउस, ठीक है, ध्यान से आइए। अब करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट। फ्रेंड्स, ऑडिट तो इंडिपेंडेंट ही होता है, हाँ जी, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की बात ही करी थी आपने। सो सबसे पहली बात, मीनिंग एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट, दोनों बातें आ रही हैं। सो प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल। आप देख रहे हैं एट द बॉटम ऑफ द पेज 5 मार्क्स का भी आया हुआ है और 8 मार्क्स का भी आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है तो डायरेक्टली यू विल बी राइटिंग द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। हाउएवर, इफ इट कम्स फॉर 8 मार्क्स, इवन मोर देन 5 मार्क्स फॉर एनीथिंग, यू आर ऑल्सो राइटिंग द मीनिंग एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट फॉर श्योर। दैट मीन्स अगर 6 मार्क्स का भी आ गया, सो देन यू आर एडिंग दीज पैराग्राफ्स टू इट। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए अब जरा देखते हैं, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द इंडिपेंडेंस को अंडरलाइन करिए, दैट मीन्स पहले पॉइंट में हम इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेटेड, दैट इज नॉट डिपेंडेड अपॉन द विम्स एंड फैंसीज। बोलते हैं वैसे एक वर्ड, अगर आपने सुना हो, विम्स एंड फैंसीज। व्हाट इज विम्स एंड फैंसीज? द विशेस कमांड्स ऑफ अनदर पर्सन। सो उसकी जगह वर्ड यूज हो रहा है विशेस, राइट? सो द इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट इफेक्टेड बाय द विशेज ऑफ अनदर पर्सन। आप सिंपली लिख सकते हैं नॉट इफेक्टेड,
क्या लिख दोगे, नॉट, ये लो पूरा काट दिया, नॉट इफेक्टेड बाय विशेस ऑफ अनदर पर्सन, सिंपल, कीप इट सिंपल, राइट। सो बताइए, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट इफेक्टेड बाय विशेस ऑफ अनदर पर्सन। इट मीन्स दैट द ऑडिटर शैल नॉट एक्ट अंडर एनी इंफ्लुएंस एंड वर्क इन अ कंप्लीटली एंड इम्पार्शियल मैनर। सर हम तो बिल्कुल ऐसे 200 वाली लाइन लिख देंगे यहां पे, भूल जाओ इसको, बिल्कुल आप यही लिखेंगे, आप वो नहीं लिखेंगे। आप ब्रेक करके लिखोगे, इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, जजमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट इफेक्टेड बाय द, पहला पॉइंट। दूसरा उसी में, इट मीन्स दैट द ऑडिटर शैल, अब आप मॉडिफाई कर सकते हो, शैल नॉट बी अंडर एनी इंफ्लुएंस एंड शैल बी एंड इम्पार्शियल इन हिज ऑडिट वर्क, खत्म। ये आप कर सकते हो इतना मॉडिफाई, इज इट क्लियर? दिस इज इंडिपेंडेंस, क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, द नीड, अंडरलाइन करिए वर्ड नीड, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड वेयर, टू पार्ट्स, हां जी सामने देखिए, प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट 2013 एंड दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। अक्की बात, सो एक्ट भी आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट बेटा, If the auditor maintains high degree of independence, underline the word high degree of independence. So, तीन main मुद्दे, पहले आपने independence define करा, फिर आपने बताया need of independence, वो कुछ खास बात नहीं थी, मैंने acts की बात बोल रहा था। तीसरा बोल रहे कि अगर जना high degree of independence करेगा, बताइए क्या होगा उससे, खुद से बताइए। अगर हम high degree of independence maintain करेंगे तो हमारी audit report की quality high होगी, low होगी? That means dependent होगी, trustworthy होगी, पढ़ के देखिए जरा। The credibility of the FS will be increased. Then, an independent audit report will be easily and respected by all of the stakeholders. All right? So, three points overall. Very simply, independence. Independence, it is not affected. Yes, kya bol rahe hain? Auditor, judgment shall not be affected by the wishes of another person. Then, it means not to act and should be impartial and unbiased. Need, Chartered Accountants Act 1949, Companies Act 2013 and Standards on Auditing. Sabhi provide kare. Teesra point, not allowed. Sorry. We don't understand. No. Samajh nahi aa raha mereko. Kuch sunai nahi deta beta. ओके, देन क्या बोल रहे हैं पॉइंट, हां जी, इफ द ऑडिटर मेंटेन्स हाई डिग्री ऑफ, राइट, सो क्या होगा बताइए, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एफएस क्या होगा, बोलो जी, शाबाश, इंक्रीज, साथ ही साथ क्या होगा, बोलो, यस, इजिली एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? आर वी श्योर? चलो जी, देन इज एडवांटेजेस, आइए एडवांटेजेस पे। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, independent audit. Are we clear? What are the advantages of independent audit? Okay. Pehla kaun sa likha hua hai? Safeguards what? Financial interest of persons not associated with the, can I say shareholders or partners, not associated with day-to-day management. Pakka? So safeguards the financial interest. नंबर वन, बिल्कुल ध्यान से करते जाइएगा, बिल्कुल भी, वेरी वेरी क्लियर, बताइए, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, राइट, कि वो आएगा, वो जरूर आएगा, on auditor, yes, so moral check on employees, or the power sector surprise check, so there you are, from committing defalcations and embezzlements, dono mein farak kya hota hai spelling ke alawa, defalcations and embezzlement mein farak kya hota hai,
सिर्फ उसी की होती है ना, वो याद करिए बचपन से हम लोगों ने, राइट। यहां पे आप बोल रहे हैं डिफाल्केशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स बनाना, और एम्बेजलमेंट इज चोरी किसी भी चीज की, सिर्फ कैश की, स्टॉक वॉक कुछ भी हो सकता है, पिल्फरेज भी हो सकती है। डिफाल्केशन मीन्स फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉल्स अकाउंट्स, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, दिस इज थेफ्ट, दिस इज द डिफरेंस। ऑल राइट, सो देर यू आर, इज इट डन। हम लोगों में से कई बार इग्नोर कर देते हैं, छोड़ना इस पॉइंट को, डिफाल कौन से फाल से कर रहा है ये, राइट, छोड़ दे इसको, एम्बेजल एम्बेजल पता नहीं कौन सी बेजल, पता नहीं क्या है, राइट। सो बताइए व्हाट इज फर्स्ट वन, सबसे पहले सेव गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ दोज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे। सेकेंड पॉइंट, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग व्हाट, डीफा, डीफा क्या, डिफाल्केशन ऑफ अकाउंट्स, या फिर लिख सकते हो फॉल्स अकाउंट्स, एंड कौन सी बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट। ओके, डन है, श्योर। देखिए इट्स वे ऑफ इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी सिंपली, राइट, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एज प्रोफेशनल्स काम में आता है, राइट। एमबीएस के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं आप, सो ऑफ कोर्स ऑलवेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल कम इन टू इफेक्ट। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक अच्छे कॉलेज से, वहां पे कई बार वर्ड्स काम में आते हैं, तो उनको भी फील होता है अरे सीए कर रहे हैं, सीए में सीख रहे होंगे ऐसे वर्ड्स, राइट। सो विच एवर वे, बट डेफिनेटली इन प्रोफेशन दे विल हेल्प बहुत। में हम लोगों ने लॉ में बहुत वर्ड्स इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे याद नहीं करते, हम कहते हैं ऑप्शनल वर्ड दे दो, राइट, बट अच्छा रहेगा जितना याद करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट डन, सेकेंड डन, तीसरा, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन एसर्टेनिंग द, या फिर नेगोशिएटिंग, ओके, एसर्टेनिंग ऑन डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, देन बोलो जी नेगोशिएटिंग व्हाट, बैंक लोन्स, अगला प्राइवेट लोन्स, एंड फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट, फॉर अ बिजनेस परचेज, कोई बिजनेस खरीदना चाहते हो, तीन बातें आर हेल्पफुल इन, नंबर वन एसर्टेनिंग द टैक्स लाइबिलिटी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दूसरी बात ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स, तीसरा फॉर डिटरमाइनिंग द परचेज कंसिडरेशन, अगर आप परचेज करें मर्जर्स एक्विजिशन, सो इन दैट केस इट विल हेल्प, इज इट क्लियर, हेल्पफुल। फोर्थ पॉइंट सेटलिंग, अगर ये वाला एक्सटर्नल था तो इंटरनल हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट्स, देन बोले जी इंश्योरेंस क्लेम्स, याद आ रहा है फायर वाला केस, पक्का इंश्योरेंस जो हमने उन्हें सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में करा था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इंश्योरेंस क्लेम लेना आसान हो जाता है, देन हां जी, सो इंश्योरेंस क्लेम्स दो आगे बेटा अभी तक, डिस्प्यूट्स, क्लेम्स फॉर हायर वेजेस और बोनस, एंड देन बताओ जी शाबाश इंश्योरेंस, आर वी क्लियर, पक्का, ओके, चार पॉइंट्स, पहला, सेकेंड, थर्ड, तीन है ना उसमें, पहला, दूसरा, थर्ड, पक्का। अगला पॉइंट जी डिस्प्यूट्स, अच्छा ट्रेड डिस्प्यूट ट्रेडर्स के साथ हो गया, एम्प्लॉयज के साथ, क्लेम्स बोनसेस वगैरह इंश्योरेंस क्लेम्स, फिर देखो ना ट्रेडर्स का डिस्प्यूट हुआ, एम्प्लॉयज के साथ भी हो गया, उन लोगों ने मिलकर आग लगा दी, इंश्योरेंस क्लेम्स, सीधी बात है। सो यू नो थिंक अबाउट इट, कीप योर क्रिएटिव माइंड ओपन प्लीज, डब्बा मत बनाओ उसको, नहीं नहीं याद करेंगे पता है किससे, ले ट्रेड डिस्प्यूट, अच्छा बोनस तो हमने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, इससे लर्न कर लेंगे, और फिर इंश्योरेंस के लिए रट्टा, और फिर बैठेगा भट्टा एग्जाम में, जब याद ही नहीं आएगा फिर टेंशन भी आ जाएगी एकदम एग्जाम, अरे यार याद नहीं है, क्या फायदा हुआ, बेकार ही पढ़ाया सर ने और बेकार ही हम पढ़े, राइट। हां जी, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, ये तो होता है गड़बड़, ये तो बहुत गड़बड़ होती है, कई बारी स्क्रैप का ही अकाउंट बहुत लंबा चौड़ा होता है, यस,
देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वॉट, यस, विच मे बी अकरिंग बियॉन्ड एबनॉर्मल लॉसेस की बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल जो मेरे को आज तक याद है, आई गेस 12-13 साल हो गए यार, अजय सर ने दिया था एक एग्जाम्पल फ्रॉम हिज आर्टिकल शिप, एंड वो परफेक्टली यहां पे बैठता है। देखिए जो वाटर की आजकल जो जो बॉटल्स वगैरह जो आती है, वो 20-20 लीटर वाली इन्वर्ट करके जो लगाते हैं, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? हेलो, हेलो करके कंपनी आई थी जिसने स्टार्ट किया था। अब तो बिस्लरी विस्लरी सब देते हैं, बट हेलो वॉज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट इट, एंड उनकी कंप्लीट मोनोपोली थी, कंप्लीट मोनोपोली, राइट। सो उनका ऑडिट जो था वेजेन सर के पास था, वेजेन एसोसिएट जो अजय सर के भी सर है, राइट। सो वहां पे ऑडिट पे गए थे और हेलो मिनरल वाटर वालों ने कॉस्टिंग करवाई थी उनसे कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस करो, देखो जी कहां पे कॉस्ट कटिंग रिडक्शन हो सकती है। एंड आई रिमेंबर सर ने बताया था कि जब उन लोगों ने देखा, पूरा चेकिंग करी, तो 10 पैसे की कॉस्ट कटिंग कर पाए वो, 10 पैसा। सोचिए, दैट मींस वो जो बॉटल थी जो अराउंड 20-25 रुपए की है, उसे 10 पैसे की कॉस्ट कटिंग, एंड वो 10 पैसे की कॉस्ट कटिंग से 15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ गया था महीने का, महीने का। थिंक अबाउट इट, अब जरा पॉइंट पढ़ के देखिए। सो ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। ऐसे ही फ्रेंड्स कोल्ड ड्रिंक्स के साथ होता है, कोका कोला वगैरह, पेप्सी वगैरह। आई होप यू नो कि टेंडर्स निकलते हैं लोगों के, राइट, बॉटलिंग प्लांट्स के लिए, राइट। बॉटलिंग की जहां कॉस्ट कम होती जाएगी उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। बॉटलिंग प्लांट्स, आपके पास बॉटलिंग प्लांट्स हैं और मैं कोका कोला की कंपनी चला रहा हूं अगर, तो मैं टेंडर्स इन्वाइट करूंगा आप सबसे। क्यों? मेरा जो लिक्विड बनाने का जो है सॉल्यूशन, उसकी तो कॉस्ट फिक्स है, राइट। लेकिन अगर बॉटलिंग के चार्जेस मेरे कम हो जाए किसी तरीके से, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्जिन बढ़ सकता है। बॉटलिंग कोका कोला खुद से नहीं करती, आउटसोर्स कर रखी है उसने पूरी, और कोई सी भी एक सिंगल कंपनी पूरा हैंडल नहीं कर पाती, इतनी बॉटलिंग है कुछ हद नहीं, 24/7, 365 डेज, इतनी ज्यादा। सो जब वो टेंडर्स निकलते हैं तो एक एक दो दो पांच पांच पैसे की फाइट चल रही होती है, क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों की सेल है। तो थिंक अबाउट इट, कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ विच इज बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरनल चेक्स और इंटरनल कंट्रोल्स। आर यू क्लियर अबाउट दिस? श्योर हैं आप? चलो जी, पांच हो गए बेटा, 5 कीवर्ड्स। पहला फाइनेंशियल इंटरेस्ट, देन मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, थर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी साथ ही साथ, एंड तीसरा, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगला एम्प्लॉइज के बोनसेस वगैरह इंक्रीज जो बोल रहे हो, और तीसरा इंश्योरेंस क्लेम्स, याद हो गया अभी ये। अगला बताओ जी, यस पक्का, ऑडिट कैन हेल्प अस इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस स्क्रैप बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स, जिससे क्या पता लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स में कमी है, इंटरनल चेक्स में कमी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ए सर्टन वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली केप्ट। सर बुआ, प्रॉपरली केप्ट? बुआ प्रॉपरली केप्ट, पक्की बात। नेक्स्ट पॉइंट जी, सेवन, रिव्यूज द एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन ऑफ वेरियस, हां जी, कंप्लायंस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सिंपल सिंपल कंप्लायंस प्रोसीजर, रिपोर्टिंग वीकनेसेस एंड एसए 265 लग रहा है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, तो 7 पॉइंट। सर क्या हम यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसए 265 नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल? नो। अगला पॉइंट, ऑडिट अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कब? एडमिशन और, यस, देखो आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑडिट अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स।
आर वी क्लियर ऑन दिस? श्योर? तो बोथ वेज इट इज राइट. जिस वे में आपको कंफर्टेबली साउंड कर रहा हो, याद हो रहा हो, उस एक तरीकों को फिक्स कर लो और उसी तरह से रिवाइज करिए. डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच ऑल्सो. एंड द लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिट एफएस टू गिव 9 points. 9 points, you have 2 minutes to revise. हो सकता है मैं आपसे लिखवा भी लूं शायद ये. हाँ जी, डन. 9 points फ्रेंड्स. चलिए जी, बताइए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्क्रैप, सिक्स्थ, सेवेंथ, reviewing and reporting on weaknesses and deficiencies in internal controls, act smart over here. The next point, settlement of accounts in case of death or admission of a partner. And last, for grants, subsidies. Is it done? Sure. 9 points friends, 5 to 8 marks. Easy, easy marks. Okay. Last head of this chapter, relationship with other disciplines of audit. Right? टिक करिए इसमें से जो आप याद कर रहे हो. ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स, क्या डिफरेंस होता है अकाउंट्स और ऑडिट में, वो दे रखा है. देन ऑडिटिंग एंड लॉ, सेकंड पॉइंट. एंड ऑन द ऑपोजिट पेज यू हैव ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार जरा ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस अभी पढ़े. जस्ट गो थ्रू इट वंस प्लीज. What say? Sure. So, हमारे ह्यूमन बिहेवियर की बात करें बेसिकली. फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जाम्स इन कंपल्सरी रादर. जस्ट टर्न अराउंड द पेज एंड प्लीज सी अ क्वेश्चन. एज यू कैन सी, आई गेस, यस, क्वेश्चन नंबर 9.
यस, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू जनरली वंस इन अ वाइल दे डू कम, वंस इन अ ब्लू मून वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन आ सकते हैं इस तरह के. मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं टू बी ऑनेस्ट, आई एक्सपेक्ट ऑडिटिंग इन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग इन लॉ में से कोई एक आ सकता है. इन तीन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जनरल रीडिंग लेके करना है, ठीक है? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 1 इज ओवर. ऐसे ऐसे चैप्टर्स हो तो कितना अच्छा हुआ था, राइट? ओके, तभी मैं आपको बोल रहा हूं यस कि मेजर पार्ट आपका हो चुका है. अब टिक करिएगा चैप्टर 2 में क्या करना है. हाँ जी, चेक करना स्टार्ट करो, शायद काफी पार्ट्स आपने इसमें से कर रखे हैं, राइट? लेकिन फिर भी कुछ इंटरनली भी पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा यहां से. लेकिन यहां पे जो है बेटा, इसमें से टिक करिएगा फिफ्थ, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, देन कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ये चार, 5, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 9, 9 तो शायद आपका फेवरेट होगा. हाँ, अच्छा, क्या बात है. ऑलराइट, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पेज नंबर 2.3 पर आए एक बार एंड 11th पॉइंट को टिक करिए प्लीज. यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 11th पॉइंट, पेज 2.3 बेटा, 11th पॉइंट लिख लीजिए. हेडिंग, वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स जजमेंट. ये पॉइंट्स वैसे आपने कर रखे हैं, बट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच मे इफेक्ट, विच मे इफेक्ट, विच मे इफेक्ट ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर्स जजमेंट व्हाइल ऑब्टेनिंग, व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन एफएस. 4 to 5 marks. प्लीज 10 points है यहां पे, आराम से टेक 2 to 3 minutes, गो थ्रू देम. हमने ईच वन ऑफ देम सारे डिस्कस कर रखे हैं, हैव अ लुक एट देम प्लीज, सिंसियरली, अच्छी तरह से. यस, नो नो नो, जस्ट स्टेट देम, जस्ट स्टेटिंग देम. या, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं साथ में कुछ, बस दैट्स इट. पूरा पूरा इन पूरा पूरा इनको कोई सेंटेंस नहीं लिखना, इट्स ओनली अबाउट यू आर गिविंग सर्टन एग्जाम्पल्स, दैट्स इट, राइट? सो ये बहुत 10 basic से है. पहला कौन सा, नेचर ऑफ आइटम. आप चेक क्या कर रहे हो, अ पर्टिकुलर अकाउंट हेड, राइट? आप कोई फैक्ट के नोट्स टू अकाउंट चेक कर रहे हो, ये बात. देन इन एडिक्वेसीज और डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स, ऑफ कोर्स दिस विल इफेक्ट द एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यस और नो? देन थर्ड, नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी. रिमेंबर फर्स्ट फ्यू क्लासेस वही पॉइंट्स है, लेकिन क्या है, कॉन्क्रीट आंसर, कॉन्क्रीट आंसर एट वन प्लेस, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, लेकिन कंप्लीट. Is it clear? So be aware of these kind of questions I'm telling you. ICAI, fortunately, मेरे हिसाब से it is fortunate. मैं feel करता हूँ yes, इस type के questions पूछ के अच्छा कर रहा है ICAI.
आपको तैयार करें बड़े अच्छे तरीके से। ओके पहला बताओ नेचर ऑफ देन, देन नेचर एंड साइज ऑफ, देन सिचुएशन विच में अप्लाई। यस हां जी ये क्या हो सकता है बताइए, टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर, यस और नो, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स अच्छे शो करने का प्रेशर, तो लिखिएगा प्रेशर फॉर अचीविंग, प्रेशर फॉर अचीविंग, प्रेशर फॉर अचीविंग सेल्स और रेवेन्यू टारगेट्स, और फॉर शोइंग पॉजिटिव एंड एनहांस्ड, पॉजिटिव एंड एनहांस्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, पॉजिटिव एंड एनहांस्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है हमें? श्योर पक्की बात? ओके फ्रेंड्स सत्यम स्कैंडल, यस आई होप यू रिमेंबर एथिक्स कॉम की क्लास में हम लोगों ने सत्यम स्कैंडल का वीडियो देखा, जहां पे रामलिंगम राजू ने पूरा जो फ्रॉड करा था 5,000 crores का फ्रॉड, बैलेंस शीट में वो असेट दिखाए 5,500 something crores का, 5584 शायद ऐसा कुछ फिगर था, कि जो असेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। क्या घर की बैलेंस शीट बना रहे 5,584 रुपए अमाउंट इन करोड़? थिंक अबाउट इट। सो ये क्या है कि कंपनी अच्छी चल रही है बस, इज इट क्लियर? सो ये देन उसके बाद फाइनेंशियल पोजिशन, बैलेंस शीट की बात हो रही है, देन मटीरियलिटी ऑफ आइटम्स, देन उसके बाद एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट्स, ब्रैकेट में लिखी ऑफ द सेम एंटिटी और अ डिफरेंट एंटिटी, ऑफ सेम और डिफरेंट एंटिटी। Of same or different entity. Then friends, results of audit procedures performed, including frauds and errors. क्या frauds and errors हमें मिले या नहीं मिले? Reliability में फर्क पड़ जाएगा, हमारा NT फिर से effect हो जाएगा. Then information available, internal external information. किस तरह की information है? Written, oral, observatory. कौन सी information available है? ये सब बात कर रहे हैं. So information available. पक्का? And last ratios and analysis. 10 points. Is it clear? I give you again 2 minutes to revise them because hum log ab revise karne wale hain fir se class mein. Are we sure? 10 points done? अच्छा चलो एक मिनट और, हाँ डन, चलिए इनफ टाइम, आइए जरा करते हैं। बताओ जी पहला, सेकेंड, थर्ड, टेंथ, फोर्थ, अनयूजुअल,
अनयूजुअल हो गया सर, अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट. देन फिफ्थ फाइनेंशियल पोजिशन, सिक्स मटीरियल वॉट मटीरियालिटी. ओके नेक्स्ट एक्सपीरियंस गेन्स ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट्स, एक्सीलेंट. नेक्स्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड. अगला इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड पक्का. एक बार फिर से टेंथ, नाइन्थ, एट्थ, सेवेंथ एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग. ओके फिफ्थ, फिफ्थ अच्छा सिक्स्थ, फोर्थ अनयूजुअल. ये व्हाट इज अनयूजुअल व्हाट? ओके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कह रहे मैं सुन तो लू जरा क्या क्या बोल रहे लोग अगली जगह से. नहीं नहीं पीछे पीछे हाँ फोर्थ वो सुन रहा है अभी नहीं. हाँ वो सुनने की कोशिश कर रहा हूं. देन विल स्पीक क्या? अच्छा पहले पांच बताओ आप सिर्फ. हाँ ओके वेरी गुड. ओके हैं अनयूजुअल वाला अनयूजुअल वाला अनयूजुअल सा हो गया पे. नहीं फाइनेंशियल पोजीशन हाँ और बता. नहीं लेकिन वो नेचर नेचर दो बार ही हो गए थे. वेरी गुड ठीक है. ओके बाकी पांच. ओके फाइनेंशियल पोजीशन बोल दिया था वो हो गया था अनयूजुअल अनयूजुअल जो कर रहा था वो. ऑलराइट वेरी गुड. रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर अप्लाई राइट. और बताओ और बताओ. वेरी गुड एनालिसिस एंड रेशियोज. देन वही 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 वाला पॉइंट. चलिए इकट्ठे बोलते हैं एंड देन वी टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स. हाँ जी बिल्कुल 10 पॉइंट्स बताइए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अनयूजुअल प्रेशर ऑन मैनेजमेंट. बिगर बात का प्रेशर मैनेजमेंट पे, जैसे हम पे स्टूडेंट्स पे बिगर बात का प्रेशर बनाया जाता है. अब याद रहेगा अनयूजुअल प्रेशर मैनेजमेंट, हमें ही तो मैनेज करना है. ओके उसके बाद अगला फाइनेंशियल. नेक्स्ट 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 पॉइंट एंड नेक्स्ट एंड देन ये सब है क्या? Various factors which will affect the auditor's judgment in performing his audit procedures and to express opinion on the FS. Are we sure? Okay, we take a break 10 minutes and we continue. Friends, एक बहुत important portion discuss कर रहा हूँ आपके साथ. एक ऐसा portion जिससे हम aware भी हैं but unaware भी हैं. हाँ जी, ये portion जरा tick करिए opposite page पे assertions. आपको याद होगा assertions के बारे में हम लोग कुछ लिखा भी था. assertion जब पॉइंट आया था कहाँ आया था याद है आपको? 610 वगैरह जब कर रहे थे सो assertion लेवल वगैरह की बात करी थी हमने. नास मारना याद आ रहा है सब ये वर्ड्स? सो ओके जब सब सारे हैजे मरीज सही हो गए तो स्टार्ट कर ले है ना. assertion, assertions का मतलब क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट. पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट टू assert समथिंग. हमने assertion लेवल बात करी थी, FS लेवल पे भी assertions की बात करी थी. Now, friends, assertions तीन levels की बात कर रहा है. जरा देखो तीन तरह की assertions की बात कर रहा है. मैनेजमेंट जब ट्रांजेक्शन या इवेंट्स रिकॉर्ड करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में, सो वॉट आर दे ट्राइंग टू assert? पहला. दूसरा
मैनेजमेंट जहां स्टेट कर रही होती है बैलेंसेस एट द पीरियड, तो उससे क्या एसर्शंस हमारे सामने आती हैं, एंड देन एसर्शंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। आई गेस देखा जाए तो तीनों बातें कवर हो गई। एक बार बताओ, ट्रांजैक्शन इवेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएस एंड देन नोट्स टू अकाउंट्स, क्या पूरा एसर्शन लेवल कवर हो गया नहीं हो गया? अब बात यह है कि हमें पता क्या लगता है इससे। हमने लिख लिया एसर्शन लेवल टू एसर्ट समथिंग, बट क्या पता लगता है? व्हाट डू यू थिंक, ट्रांजैक्शन के बारे में क्या पता लगता है कि वो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, किस पीरियड में हुई, कितने अमाउंट की हुई, ये सब बातें। सो व्हाट काइंड ऑफ एसर्शंस आर मेड, व्हाट काइंड ऑफ एसर्शंस आर मेड, प्लीज बेसिस ये हैं एसर्शंस के। बेसिस ऑफ एसर्शंस आर दीज, जिसका निमोनिक है कोका कीड़ा। क्या? कोका कीड़ा। आई होप वी रिमेंबर, कोल्ड ड्रिंक में क्या डलती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड होती है, नहीं होती है, यस और नो? तो कोका में कीड़ा, ठीक है। COCOCA, बस ये उल्टा है, COCA, COCA, ये सीधा लिखा हुआ है कीड़ा, कोका कीड़ा, कोका कीड़ा, ओके, राइट। कई इसमें से याद करते हैं सीए को कीड़ा। सर ये अच्छा, ये बेटर है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, सीए को कीड़ा, पढ़ाई का कीड़ा काट गया हमें, यस। सो सीए को कीड़ा किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, विच एवर वे यू थिंक राइट। नाउ फ्रेंड्स देखिए, प्लीज मैं एक पॉइंट आपके साथ कर रहा हूं, बाकी दोनों हम लोगों ने करने हैं, ध्यान से करिएगा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को लेकर क्या एसर्शंस हैं? आपको कुछ बातें फर्स्ट क्लास की भी याद आएंगी, देखना, मतलब हमारी ऑडिट की फर्स्ट क्लास, बचपन की नहीं। अकरेंस, दे हैव अकर्ड एंड रिलेट्स टू द एंटिटी, एंटिटी से रिलेटेड है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड हुई है एक एंटिटी के, दैट मीन्स एंटिटी से रिलेटेड है। मैनेजमेंट यही बताने की कोशिश कर रही है, कोई पर्सनल एक्सपेंस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सो मेरे को लग रहा है हम अकाउंट भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कम करवाता हूं, राइट। एक की फीस में दो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? ऑल राइट, बट आई मस्ट से शी टीचेस वेरी पैशनेटली, शी इज वेरी पैशनेट मैम जो है, शी टीचेस रियली रियली पैशनेटली, सोनू गुप्ता मैम, राइट। शी इज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 21 ईयर्स एंड अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब जो पैशन है उनका टीचिंग का, हैट्स ऑफ, राइट। चलिए सो जरा करते हैं, दे हैव अकर्ड एंड रिलेट टू दी एंटिटी, ट्रांजैक्शन हुई है और हमारी एंटिटी से रिलेटेड है, हमारी मतलब मैनेजमेंट बता रही है हमारी एंटिटी से रिलेटेड है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, कंप्लीटनेस, द ट्रांजैक्शंस विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, एक्चुअली बीन रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। अगली बात, एक्यूरेसी, कुछ ध्यान से देखो, सामने देखो, ओके, कुछ मिला? हाँ, एक्यूरेसी, करेक्ट अमाउंट, देन करेक्ट अकाउंट एंड करेक्ट पीरियड, तीन बातें। सो एक्यूरेसी, जो अमाउंट्स हैं वो एक्यूरेट है और जो अदर डेटा है वो भी सही से रिकॉर्ड करा गया है। अमाउंट्स हैव बीन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड अदर डेटा हैज बीन अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, इज इट क्लियर? देन इज कट ऑफ प्रोसीजर, ये क्या होता है कट ऑफ प्रोसीजर? ये तो आपने सीए में एंटर करने से भी पहले पढ़ लिया था, क्या कह रहे हो सर, कट ऑफ, राइट। हां जी, एक साल की ट्रांजैक्शंस दूसरे साल से अलग करना, एक अकाउंटिंग पीरियड के ट्रांजैक्शंस दूसरे साल से अलग करना, कट ऑफ, राइट।
फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, क्यों? ताकि आप क्या निकाल सको, प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। तभी तो आप लगाते हो AS4 वगैरह, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह, तो कट ऑफ प्रोसीजर। भैया अलग तो करके देखें, एक पर्टिकुलर पीरियड आपने देखिए लॉन्ग अपना विजन रखा कि 10 साल में मुझे वहां तक पहुंचना है, तो शॉर्ट रन में क्या मैं उस राह पर हूं या नहीं हूं? स्टेपिंग स्टोन्स। इज इट क्लियर? सो देयर यू आर। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जरा बताइए, पहला पॉइंट क्या हुआ? अकरेंस, द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी। सेकेंड पॉइंट, हां जी, कंप्लीटनेस, दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच शुड बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। That means कोई सी भी ऐसी ट्रांजेक्शन इवेंट नहीं रह गई है जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हमने छोड़ी नहीं ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन। देन इज एक्यूरेसी। बताओ जी, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर एक्यूरेट? ऑफकोर्स इवेंट्स के रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस होती है, वर्ड यूज होता है, सो रिलेटिवली। देन कट ऑफ प्रोसीजर्स, रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। एंड देन क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स। अब एक बात बताओ, अगले तीन को जरा चेक करिए, ठीक है, वहां पे डैश डैश लगा हुआ है, लेकिन हम चेक तो करें, रट्टाफिकेशन नहीं करते। एग्जिस्टेंस, क्या ट्रांजैक्शन है इवेंट एग्जिस्ट करता है किसी दिन? नो, अकर होता है। दूसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये तो असेट्स एंड लाइबिलिटी से मेल खाएगा। यस, और आखिरी कौन सा है? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ये किसकी होगी? असेट्स एंड लाइबिलिटीज की होगी, राइट? So it cannot be regarding a transaction. ठीक है, you may deliberate upon it, right? You can argue upon it. नहीं नहीं सर, transaction proper value पे record करी गई है या नहीं, वो already ऊपर आ चुका है amounts accuracy में। Are you getting it? So transaction events, इसके regarding assertions. अब किस तरह का question आ सकता है, please have a look. Question number 17th पढ़िए और question number 19th पढ़िए. On the opposite page. Excellent questions. These are called quality questions. Really. इनको बोलते हैं धमाकेदार questions, cream questions है बिल्कुल। आ जाए तो लोगों के होश उड़ा दे, या फिर सीधी बात, जिसने करे हुए हैं वो अच्छी तरह से लिख कर आएगा, या तो आर या पार, भैया छोड़ देगा, या तो एसर्ट, भैया ठीक है त्याग दिया मैंने वहीं पर ही, या फिर कर सकते assertions. So, अब ये assertion किसके रिगार्डिंग है, अब आप बात बताइए। एक तो substantive प्रोसीजर के रिगार्डिंग है, अब आप इसमें देख रहे हो अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ अरेंजमेंट, ये सब आएगा। ये पूरा का पूरा चार्ट बनाओगे इसका मतलब आप इसमें, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, सो प्लीज आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मेक द कंप्लीट चार्ट ऑन द ऑपोजिट पेज, मेक कंप्लीट चार्ट ऑन ऑपोजिट पेज, मेक कंप्लीट चार्ट ऑन ऑपोजिट पेज। ऐसे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, पेज 2.15 पे दे रखा है, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 पेज 2.15, इसको टिक करिए प्लीज। जून 2009 में आया था। सो जून, सर ये सीए का क्वेश्चन है, सीएस का है, सीए का है, राइट? इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम्स, ऐसा होता है सर, अभी कोई इलेक्शन नहीं बढ़ रहा यार, अब तो एग्जाम्स कितने क्लोज हैं, अच्छा है टाइम पे हो जाए, वरना एक महीना और वेस्ट होगा, सही बात है नहीं? नहीं सर, हो जाए तो कोई बुराई नहीं। अच्छा, डन नहीं, लेकिन अगर आप अप्रैल में खड़े हो तो पता लगे कि मई में नहीं है एग्जाम्स, तो कैसा लगेगा? सही लगेगा, तभी भी अच्छा लगेगा, कमाल कर रहे हो यार, बिलीव मी। आप देखना अप्रैल में आप होंगे, आपको लगेगा नहीं यार अब एग्जाम्स हो जाए, खत्म हो, एक साइड हो, रियली हाँ। बिल्कुल, सो वही हेड्स हैं सारे, और इनकी एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लर्न लर्न। 10 नंबर के बजाय मैं कहता हूं हो सकता है 8 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। देखिए, आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिस मॉड्यूल का मैंने 80 to 90% कवर कर रखा है ऑलरेडी,
व्हाई आई एम सेइंग प्रैक्टिस मैनुअल का 80-90%, 10-15% ऑलरेडी बुक्स का जो होता है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है प्रैक्टिस मैनुअल में. सो बुक्स भी ऑलरेडी हुई हुई है. आई कैन नॉट से ऑफ कोर्स कि पूरा का पूरा 100% आपकी पूरी बुक कवर्ड है, बट आई कैन से कि यस वेरी श्योरली 95-96% बुक तो बहुत आराम से कवर्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कंटेंट पूरा कवर्ड है, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मेक श्योर दैट एटलीस्ट इस बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लें उन्हें. गो थ्रू देम, टेक अ थॉरो रीडिंग ऑफ देम, दैट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? श्योर, बहुत ध्यान से. चलो वापस आ जाओ. नाउ आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. श्योर. अच्छा, बैलेंसेस को लेकर जरा एक बार रीडिंग लो बेटा आराम से. इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस हैं? आज सबसे ज्यादा चुप रहा है, मेरे को लग रहा है पीछे बैठे राइट, आज बिल्कुल बुक्स नहीं है साथ में, तो बिल्कुल यही आज ही रीडिंग मैक्सिमम हो रही है. नो फीलिंग हैंडीकैप्ड लिटिल बिट, अरे कुछ हाथ नहीं चला पा रहे, कुछ अंडरलाइन नहीं कर पा रहे. yes. शायद इस बार नहीं याद हो जाए, होपफुली. कुछ बचपन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं. सर ये क्या पॉइंट है? एंटिटी होल्ड्स कंट्रोल्स द राइट टू असेट्स. हां जी, असेट्स हमारे राइट हैं और लायबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, वही लिखा हुआ है. अगला पॉइंट क्या है? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन का. सही वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, सही हेड्स में दिए गए हैं, वही वैल्यूएशन एंड एलोकेशन लिखा हुआ है. Assets, liabilities and equity interest are included in the FS at appropriate amounts and any valuation allocation adjustments are appropriately recorded. पक्की बात, जो भी classifications थी, जो भी recording होनी थी, जो भी adjustments होनी थी, वो सही से करी गई है. Now you see, if they ask you a 4 marks question, they can ask you any particular one. Right? बट यू हैव सीन ऑन द ऑपोजिट पेज वो 8 marks का क्वेश्चन किस तरह से आया है भाई, सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में ये assertions कैसे हेल्प करेंगे. इज इट क्लियर? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब इस चैप्टर का मेरे हिसाब से सबसे क्वालिटी टॉप मोस्ट क्वेश्चन अगर आ सकता है तो दिस इज द वन. यस, वो बोलते ना आउट ऑफ द टॉप ड्रॉअर, बिल्कुल ही उसमें से. ओके अब जरा ये भी देखिए, सामने देखिएगा प्लीज, आई डोंट वॉन्ट यू टू रीड फ्रॉम योर बुक्स. ये एक आपके पास एक्सट्रैक्ट दे रखा है फ्रॉम द बैलेंस शीट, राइट? कैन यू सी द एक्सट्रैक्ट? असेट्स के रिगार्डिंग कुछ अमाउंट्स दे रखे हैं हमें, जस्ट रीड देम, इतना ही है बस. ये थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, आप मैनेजमेंट हो, बैलेंस शीट में आपने टोटल डिस्क्लोजर्स दिए हैं, व्हाट आर द एसर्शंस दैट यू आर ट्राइंग टू मेक एज मैनेजमेंट? एक एक करके बताना प्लीज, थिंक अबाउट इट. व्हाट आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट आर द एसर्शंस दैट यू एज मैनेजमेंट आर ट्राइंग टू मेक थ्रू दिस? प्लीज डोंट रीड द आंसर्स. Yes, beta, go ahead. Okay, own the asset. WDV लग रहा है, पक्का? Very good, okay. बोलो बोलो, yeah, go ahead. Okay, इस साल ही चार्ज हुआ है. Okay, और कुछ? हिस्टोरिकल कॉस्ट पता लग रही है, और कुछ? और लोग भी तो बोले, थिंक अबाउट इट प्लीज, प्लीज थिंक ओवर इट. यस, डोंट जस्ट बी अ वॉचर, प्लीज जरा सोचिए क्या पॉइंट्स और आ रहे हैं सामने.
सोचिए, यू आर द मैनेजमेंट, आपने लिखा है इसमें बैलेंस शीट में, एंटिटी की बैलेंस शीट में लिखे हुए फिगर्स, वैल्यूएशन एलोकेशन और कुछ। अब हम डेप्रिसिएशन में घूमे आ रहे हैं, और कुछ कंपनी के पास असेट है एंड दिस असेट एग्जिस्ट एंड इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तीन बातें तो यही है, यस और नो? बैलेंस एक तो पहली बात तो एग्जिस्ट करता है, देन इट इज ओन्ड बाय द एंटिटी, एंड तीसरी बात इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये बात लिख के थोड़ी ना बैलेंस शीट में आ रही है, बैलेंस शीट में अपेयर होने से ये तीन एसर्शंस हैं, चाहे अनसेड है। अब गोइंग कंसर्न है, आप अगले साल बिजनेस करते हो, अनसेड ही तो एजम्पशन है, तभी तो एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इफ यू कंटिन्यू ऑन 1st अप्रैल, इट इज अ गोइंग कंसर्न एजम्पशन और नॉट? सिंपली सो तीन सामने सामने बिना लिखी हुई बातें जो हमारे सामने आ रही हैं। पहली बात, प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट, देन इट इज ओन्ड एंड इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, देन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इज, देन डेप्रिसिएशन अप टिल नाउ इज 1,40,000, आउट ऑफ विच 40,000 बिलोंग्स टू करंट ईयर, एंड सिंस आप देख रहे हैं WDV लग रहा है दोनों मेथड्स, तो कंसिस्टेंसी है, WDV दैट मीन्स रिकग्नाइज डेप्रिसिएशन मेथड। तो जरा ऑपोजिट पेज पे पॉइंट्स पढ़िए, ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन इसमें से आ सकता है बिल्कुल, एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन कहां पे से था मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी बुक्स में नहीं है कहीं पे भी, ये RTP 2005 की में से है, 2005 या 6 में से, यस। और ये आ गया क्वेश्चन तो आप कहोगे ये कहां से, क्या करें इसका, अच्छा लग रहा है फिगर, ठीक है, राइट? सिंपल बात ये कहोगे, अच्छा ठीक है यार, और अब शायद अब लिखोगे अरे खुशी खुशी, अरे आ गया, अब तो आंखें बंद करो और हो जा स्टार्ट। पहले तीन तो वैसे बैलेंस शीट सामने, अरे तीन तो लिख दे, ओन्ड एग्जिस्ट एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बाकी हमारी क्लेरिकल आंखें लग जाएंगी। 5 लाख का अमाउंट, 1:40 माइनस वाइनस करके दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। बट फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपोजिट पेज पे क्या लिखे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है वहां पे, ओन्स, नंबर वन डालिए ओन्स पे। सर दोनों भूल गए इकट्ठे, कैसे ऐसा कैसे हो गया, किताब भूल गए घर पे, सो वो था SAG होने हैं तो नहीं, मैंने बोला था लेकिन Volume 1 भी होगा, राइट? देन ओन्स, देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैं अभी के लिए इसको भूल रहा हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट के पॉइंट को, हां जी, फिजिकली, एंड तीसरा यूटिलाइज इन द बिजनेस। पहले तीन थियोरेटिकल पॉइंट्स हो गए, कंसेप्चुअली जो मैनेजमेंट अनसेट पॉइंट्स है उनकी बात कर रहे हैं, ओन्ड, फिजिकली एग्जिस्ट एंड यूज फॉर द पर्पस, देन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इज रुपीज 5 लाख, हो गया जी चौथा पॉइंट। देन टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन 1:40, जिसमें से 40,000 पक्का एंड अ ड्रॉन अप। तो भैया आपने अगली बात बोल दी टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन की, एंड लास्ट पॉइंट अब बोलो, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेट ऑन अ, हमने देख लिया था कि WDV लग रहा है, फिक्स तो था नहीं, SLM तो था नहीं, राइट? रिकग्नाइज बेसिस ऑन कैलकुलेशन इज करेक्ट। सो अब जरा क्वेश्चन लिखिए इसके बेसिस पर, यहीं पर ही लिखिएगा, व्हाट असर्शंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट असर्शंस कैन यू ड्रॉ from the following information, what assertions can you draw from the following information, is it clear? If not more, I can tell you that this question can come for a minimum of 4 marks. Abhi tak nahi aaya hai, theek hai nahi aaya, but as an examiner मेरे को मौका मिल जाए फिर से पेपर सेट करने का, अभी तक 2 बार ही कर चुका हूं सेट, अगर मेरे को एक बार ही और मौका मिल जाए मैं शायद ऐसे क्वेश्चंस डाल दूं, सर अब मत करना सेट, सर अब कर लो सेट, अब कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट फिर भी
बट रियली थिंक अबाउट इट, रीजन मैं क्यों बोल रहा हूं सिंपली कि ये बात हमने 11th 12th में सीखी थी, बैलेंस शीट बनाना, अमाउंट टैली करना, बट क्या सीखा है, टैली करना है। क्यों आ रहे हैं अमाउंट यहां पे, क्यों हम लिख रहे हैं ये बातें, सोचते नहीं हम, राइट। मोर ओवर हम इस साइड से देखते हैं एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, नॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें पता ही नहीं है बातें, एंड बिलीव मी दीज आर द थिंग्स विच एमबीए आर टॉट। जो एमबीए फाइनेंस वगैरह करते हैं उनको पहली बातें सिखाई जाती हैं कि ये फैक्ट्स फिगर्स है क्या, राइट। तो जहां हम लोग सिर्फ कई बार टेक्निकल बातों में लगे रह जाते हैं, वो कहते हैं हाँ होगी तुम्हारी टेक्निकल बातें, अब बताओ आगे क्या करना है, वन स्टेप आगे निकल जाते हैं। रिजल्ट क्या है आपके एनालिसिस का, वो तो सिर्फ ये मांगेंगे एमबीए। देर इज वेयर दे यू नो हम लोग थोड़ा सा लैक कर जाते हैं कई बार। सो यू नीड टू डेवलप दोज मैनेजीरियल स्किल्स एज वेल। वो पर्सोना वो डेवलप करना बहुत जरूरी, एक डायमेंशन है आपकी जो है आप में, बट अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, राइट। वी शुड नॉट बी जस्ट मियर कैलकुलेटर्स, यू नो मशीनरी, जस्ट कैलकुलेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड गिविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को कैसे आप चलाओगे, किस तरह से चलाओगे, दैट्स अ मस्ट। इज इट क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने किया, ये सब आप पहली क्लास में कर चुके हो फिर रिमेंबर। यस, काफी गलत था आपने, इसमें से एक पॉइंट बेटा जो मैंने आपको टिक करवाया था बुक्स में, यस, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बहुत सिंपल से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक एक करके करते हैं। पहला पॉइंट है एक्सटर्नल एविडेंस, पहला पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल एविडेंस राइट इज यूजली मोर रिलायबल देन, अगर स्पेशली इफ इट इज फ्रॉम इंडिपेंडेंट। सर और अंडरलाइन कर लो सर हमारे साहब ने, नहीं ओके। सो एक्सटर्नल एविडेंस इज यूजली मोर रिलायबल देन, अगर स्पेशली जो एक्सटर्नल पार्टी हो कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो, पक्की बात। सो देर यू आर, फर्स्ट एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन इंटरनल इफ आउटसाइड पार्टी इज इंडिपेंडेंट, पक्का। स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह से ले रहे हो, बैंक वगैरह से ले रहे हो, सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलायबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सर होगी होगी, वी कैन नॉट अज्यूम इट ना, इंडिया है, ठीक है, नेवर नो। ओके देन अगली बात, इंटरनल कब रिलायबल हो सकता है ज्यादा, ये देखो मजेदार पॉइंट, अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, सही बात है नहीं, इंटरनल इज मोर रिलायबल देन यस एक्सटर्नल इफ द इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। सो दो एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में आ गए, पहला एक्सटर्नल कब होगा, जब जो आउटसाइड एक्सटर्नल कंफर्मिंग पार्टी है वो काफी इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, इंटरनल भी रिलायबल हो सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल्स यस इन प्रिपरेशन एंड याद आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, तो मेंटेनेंस या नहीं तो प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। देन एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन थ्रू द एंटिटी। मुझे इसका एग्जाम्पल दीजिए प्लीज, जो नीचे लिखा है उस एग्जाम्पल के अलावा, ये तो आप पढ़ लो कोई बात नहीं। ये ही अपॉर्चुनिटी है जो बुक्स नहीं लेकर आए हैं उनके पास, सोचिए जरा अच्छी तरह से, घुटने हिला हिला के अपने। डायरेक्टली ऑब्टेन बाय द ऑडिटर कौन सा होता था पहले, तो इसका एग्जाम्पल दीजिए। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, तो ठीक है आपका, यस डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन यही थी, इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर बाय द कंफर्मिंग पार्टी, याद आ रहा, इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मोड। बट इसके अलावा अगला क्या लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल दीजिए मुझे आप। ऑब्टेन थ्रू द एंटिटी, एक्सटर्नल बट ऑब्टेन थ्रू द एंटिटी, आपने करा इसका एग्जाम्पल। चलो मैं हल्का सा गाइड करता हूं, हाँ हाँ वो कौन सा था, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही सही पकड़े हैं, लिटिगेशन क्लेम, ऐसे 501
ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन और सिलेक्टेड आइटम्स, उसमें याद करिए लिटिगेशन क्लेम के तो तीन तरीके थे, इंक्वायरी, मिनट्स एंड लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद जो पॉइंट था कि अगर हमें लग रहा है कि कोई और लिटिगेशन क्लेम है या हो सकता है, सो लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टली सेंट टू द ऑडिटर, जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे थे थ्रू द एंटिटी। सो ऑफ कोर्स जो हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर पाए वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर जो थ्रू एंटिटी आएगा हमारे पास, चाहे वो एक्सटर्नली क्यों ना हो। पक्का? तीन पॉइंट्स आ गए बेटा, पहला एक्सटर्नल मोर रिलायबल, सेकेंड इंटरनल मोर रिलायबल, थर्ड डायरेक्टली ऑब्टेन बेटर देन थ्रू द एंटिटी। फोर्थ पॉइंट कौन सा बेटा? एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ इज मोर रिलायबल देन ओरल, रिटन बेटर देन ओरल। प्लीज प्लीज प्लीज, आप देख रहे हैं 4-4, 5-5 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स मैंने छाप रखे हैं वहां पर लिटरली। आप एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, सर हमें चाहिए भी नहीं पूरे, अगर आ सकते हैं तो भी नहीं, सर नहीं लिख सकते हैं ना। सो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा वहां पे। कुछ याद आया? ये पॉइंट कहीं पढ़ा था आपने? यस, ए बी सी डी ई रियो आईपीएल 143। शाम वाली क्लास वालों के होमवर्क में है और चेहरों पे लिखा है यस सर वी होमवर्क में ही है। राइट, हां जी पक्का। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट और नॉट, कंफर्मेशन जॉब ऑब्टेन करते हैं। ओके, अगला पॉइंट, ओरिजिनल फोटोकॉपी से बेटर होगा नहीं होगा? यस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय फोटोकॉपीज, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर ईमेल तो बेटर होगी हमेशा, कोई ये भी तो बोल सकता है मेरी ईमेल हैक करके किसी ने भेज दिया। यस, मोर ओवर ईमेल में आपको सॉफ्ट कॉपीज तो भेज रहे हैं, स्कैन कॉपीज वगैरह हो सकती हैं, यस और नो? सो इन दैट केस, सो ओरिजिनल्स आर ऑलवेज बेटर। किसके ओरिजिनल्स हमेशा अच्छे होंगे? एमओए, एओए, उनकी तो इतनी सारी मल्टीपल कॉपी छापती है कंपनी, ये एक कॉपी हमें भी दे दो। इज इट क्लियर? सो ओरिजिनल बेटर देन बताइए फोटो कॉपीज। पांच पॉइंट, सिंपल सी हेडिंग्स बताओ। पहला, एक्सटर्नल बेटर, देन इंटरनल बेटर, देन डायरेक्टली, देन फोर्थ रिटन बेटर देन ओरल, एंड फिफ्थ ओरिजिनल देन फोटोकॉपीज। सिंपल, 5 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस। वाओ, राइट। देखिए इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, कोई ना कोई एक जरूर बनेगा। एनीवन, मतलब इस चैप्टर की वेटेज 4 मार्क्स की तो है ही मिनिमम, कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस वगैरह आप कर चुके हो, लेकिन एक हेड में फिर भी चाहूंगा कि आप इसमें से पढ़ लो, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है वैसे? पूछताछ। आइए जरा पूछे ताचे, जिन्होंने एक बार रीड कर लिया और दूसरी बारी भी रीड लीजिए, चाहे शॉर्ट में रीड मारिए, बिल्कुल
इज इट डन? श्योर, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए प्लीज. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दीजिएगा इंक्वायरी को. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट, एज अ मेथड, एज अ मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी एज अ मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. 4 to 5 marks, 4 to 5 marks. ऑल राइट, हां जी, सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम, बताइए, नॉलेजेबल पर्सन नंबर वन, फाइनेंशियल एंड, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड. तो सीकिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल कौन हो गए, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, नहीं, जिनके पास ऑडिट से रिलेटेड, एफएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेजेबल बात कर रहे हैं. अब चाहे वो हाई डिग्री हो लो डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं है. ओके, देन इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट में शुरुआत से आखिरी तक यूज होता है, पक्का. देन इंक्वायरीज में रेज फ्रॉम, ऑफ कोर्स फॉर्मल तो रिटन कम्युनिकेशन ही होता है, याद है हमने एथिक्स कॉम वगैरह पढ़ा था, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, सो दैट इज फॉर्मल रिटन इंक्वायरी, टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है. ओके, हां जी, याद करिए, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनेयर्स, यस, बिटवीन द ऑडिटर एंड द अनदर ऑडिटर, सो भी तो एक फॉर्मेट ही था, इंक्वायरी तो है वो भी एक, यस और नो? तो बेटा 3 points आ गए, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन नॉलेजेबल पर्सन, वेदर विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी. सेकेंड, यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट. देन थर्ड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन और इनफॉर्मल ओरल. देन इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट, यस और नो? इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों? एंटी इफेक्ट होगा उससे. देन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी मे प्रोवाइड द ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड. सर ये कहां करा था आपने? SA 560 करा था, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, याद आ रहा है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो वहां पे आपने पूछताछ करी थी, इंक्वायरी अबाउट द मिनट्स, कुछ याद आ रहा है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो मीटिंग्स हुई थी विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, उसकी पूछताछ से कुछ बात सामने आ जाए हमारे, शायद दैट पॉइंट. देन और विद कोरोबरेटिव, कोरोबरेटिव का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव, एडिशनल. कोरोबरेटिव का मतलब क्या होता है? एडिशनल या सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस, ऑलरेडी हमारे पास है और एविडेंस हमने ऑब्टेन कर लिया. सो बताइए 5 points बेटा, पहला सीकिंग इंफॉर्मेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बोलो जी, इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सेज इज एन इंटीग्रल पार्ट, एंड फिफ्थ, इट मे प्रोवाइड अस नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, एंड दूसरी बात, एडिशनल ऑडिट एविडेंस. अगली बात, ऑल्सो रिस्पॉन्स माइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट differs significantly, yes, pakki baat. And then the last point, in some cases response inquiries provide a basis for the auditor to modify, kya? Modify his report or perform additional audit procedures. 7A 7B, 7A and 7B, bilkul dhyan se. So there you are, 7 points, 4 to 5 marks, directly inquiry as a method to obtain audit evidence. Are we sure about this? Pakka, any doubt? Sure? Okay. Now friends, let's come to the next point. Ye hamara ho chuka hai sara. Concept of materiality. Aapko yaad hai, maine ek essay aapko mark karwaya tha ki essay 320 jo maine aapko likhwaya tha wahan pe cross karwa diya tha, and maine aapko bola tha ek to handout bhi milega uska aur saath hi saath हम लोग वॉल्यूम 1 में करेंगे उसे. सो आई हैव गिवन इट टू यू इन द हैंडआउट एज वेल, बट एट द सेम टाइम दिस इज इट, SA 320. ओके, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बड़ा सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल है. इनफैक्ट ध्यान से करते हैं, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स. फोकस, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी,
सबसे पहले कहां दे रखा है मटेरियलिटी के बारे में, एएस वन में दे रखा है, आपका फेवरेट एसे एएस, एएस वन। एएस वन का नाम तो पता ही है आपको, उसका काम क्या है वो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, इट डिफाइंस मटेरियल आइटम्स एट व्हाट रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन इन रिलेशन टू अदर आइटम्स मोर इंपॉर्टेंट आइटम्स नॉलेज ऑफ विच मे इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यस ऑर नो? सो आइटम्स नॉलेज ऑफ विच कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस। इज इट क्लियर? सो दैट इज, सबसे पहले हमें एएस वन डिफाइन करना होगा, मटीरियल आइटम्स। सो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, एएस वन, और फिर यहां पे लिखूंगा मटीरियल आइटम्स, मटीरियल आइटम्स, राइट। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, बिकॉज आप इसके थ्रू ना ही सिर्फ एसे 320 करने जा रहे हैं बल्कि एसे 450 भी कवर करेंगे। यस, सो रजिस्टर्स वगैरह आपके रेडी होने चाहिए, बिकॉज 320 को बीच में रोकते हुए हम एक पॉइंट में 450 भी करने वाले हैं। ओके, 450 की समरी मैंने आपको दी है बिल्कुल, लेकिन ऐसे 450 देखना अभी 5 मिनट कितना तगड़े तरीके से बाहर आएगा हमारे कि है क्या। ओके, पहला पॉइंट डन, एएस वन। फर्स्ट पॉइंट, एएस वन डिफाइन्स मटीरियल आइटम्स एज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट आइटम्स, दैट इज द आइटम्स द इंफॉर्मेशन ऑफ विच मे इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। नंबर टू, ऑडिट इन्वॉल्व्स जजमेंट। क्या लिखा? ऑडिट इन्वॉल्व्स जजमेंट, हमने हेडिंग डाली ऑडिट इन्वॉल्व्स जजमेंट, सेकेंड पॉइंट की हेडिंग डाल दी हमने। ऑडिटर हैज टू जज वेदर अ पर्टिकुलर आइटम और ट्रांजैक्शन इज मटीरियल और नॉट व्हेन ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी एस्पेशली व्हेन फाइनलाइजिंग देम। तो जब ऑडिट कर रहे हैं उस दौरान भी, और जब फाइनलाइज कर रहे हैं, दैट मीन जब ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस टाइम भी। सो फ्रेंड्स, दो पॉइंट बहुत सिंपल से बताओ जी, पहला कौन सा है? मटीरियल आइटम्स का। देन दूसरा, ऑडिट इन्वॉल्व्स जजमेंट व्हाट रिगार्डिंग द मटीरियलिटी ऑफ एनी आइटम। यस, कब? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। पक्का? ड्यूरिंग द ऑडिट एंड ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन। इज इट क्लियर? दो पॉइंट्स हुए बेटा, पहला कौन सा? एएस वन, मटीरियल आइटम्स। नंबर टू, ऑडिट इन्वॉल्व्स जजमेंट। नंबर थ्री, एसए 320, क्या नाम लिखा हुआ है? मटीरियलिटी इन व्हाट? आराम से पढ़ना समझते हुए, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, दोनों ही, प्लानिंग में भी मटीरियलिटी एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट में भी, दोनों में ही, जिसमें साफ बात बोल रहा है दैट द ऑडिटर शुड कंसिडर द मटीरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद। कुछ याद है ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस अ रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन। सो एक आइटम कब मटीरियल होगी, सोच के देखिए, उसको चेक करने से अगर हमारा ऑडिट ओपिनियन में ज्यादा फर्क आ सकता है, सो मटीरियल हो गई। उसको चेक करने से या ना चेक करने से अगर ज्यादा फर्क आएगा, सो डेफिनेटली इट विल बी अ मटीरियल आइटम। पक्की बात? ऐसी मिसस्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं, कितनी जगह हमने ऑडिट में पढ़ा इवैल्यूएटिंग द मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यस, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो एसए 320 सिंपली यही बात बोल रहा है आपको, मटीरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क। प्लीज इस पारा के एंड में लिखिए, प्लीज एक लाइन लिखनी है आपने, एंड इंफॉर्मेशन, देखिए, एंड इंफॉर्मेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, एंड इंफॉर्मेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। If it is likely to affect, if it is likely to affect the auditor's opinion
सिग्निफिकेंटली, ऑडिटर्स ओपिनियन सिग्निफिकेंटली। ऑडिटर्स ओपिनियन सिग्निफिकेंटली, प्लीज पढ़िए क्या लिखा आपने। थर्ड पॉइंट की हेडिंग आएगी हमारी मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। थर्ड पॉइंट की हेडिंग मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, ये हेडिंग है हमारी थर्ड पॉइंट की, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी तक तीन है बेटा हेडिंग्स, पहला, सेकेंड, थर्ड, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब आ रहा है फोर्थ पॉइंट, 450, एसए 450। जरा नाम पढ़िए क्या है, बिल्कुल ध्यान से प्लीज। सिर्फ नाम पढ़ना है एसए का, उसके आगे का मत पढ़ना भी प्लीज। इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। एक बार फिर से पढ़ लो, इवैल्यूएट करना किसको? उन मिस स्टेटमेंट्स को जिनको हमने क्या करा, आइडेंटिफाई करा ड्यूरिंग ऑडिट। ओके, अब जरा सामने देखो जी, इसका मतलब इस, हम इस एसे में क्या कर रहे होंगे, ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स राइट टू आइडेंटिफाई व्हाट मिसस्टेटमेंट्स इन एफएस। यस, सो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट मिसस्टेटमेंट्स। अब एक बार उसने आइडेंटिफाई कर ली तो ही विल डू व्हाट, ही शैल determine whether such identified misstatements, मैंने इसको आई एम लिखा है, यही है आई एम, identified misstatements are material or not। whether they are material or ओके, देन ऑडिटर शैल, आप बताओ किसको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट सच आईएम टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। और क्या सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे बेटा या कुछ करने के लिए बोलेंगे उनको, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी टू करेक्ट सच आईएम। इज दिस पॉइंट क्लियर? हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हां जी आप इन्हें करेक्ट कर दो, सही कर दो। याद है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में प्लांट एंड मशीनरी वाला हेड, 1 लाख 10 लाख जो बिल मिल गया था, अमाउंट गलत लिख दिया था, सो उनको बोल सकते हैं हाँ जी ठीक कर दो इन अमाउंट्स को। ओके, अब बताइए मुझे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट ने कहा हाँ जी हमने ठीक कर दिया है, क्या इतनी बात में मान जाएंगे या हम चेक भी करेंगे उन्हें? पक्का? सो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? शाबाश, बताओ। वंस द मैनेजमेंट TCWG has corrected the misstatements, the auditor shall apply FAP, further audit procedures,
द ऑडिटर शैल अप्लाई, बेटा ये तो आपने भी नोट करना है, या नोटबुक भी नहीं लाया? अच्छा क्या लुगाई नोट कर रही है? अच्छा, हैज करेक्टेड द मिसस्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शैल अप्लाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। टू चेक वेदर देयर स्टिल एग्जिस्ट एनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या अभी भी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाकी तो नहीं रह गई है? ओके, अब एक बार बताइए, ये केस तो कब हुआ? जब मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने करेक्ट नहीं करी हो, या फिर इसके बावजूद भी कुछ रह गई हो। हमने 100 भेजी थी चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए, उन्होंने 80 सही कर दी और 20 उन्होंने कहा नहीं नहीं जी हमारे पास या तो टाइम या बहुत कम टाइम है, इतना ही बहुत है। क्या करोगे ऐसे में, बता सकते हो आप? ध्यान से सोचिए, आपने मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजे थे, आई एम द मैनेजमेंट, यू आर द ऑडिटर, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, 100 की लिस्ट भेजी थी, 20 तो मैंने बोला मैं करेक्ट ही नहीं करूंगा, 15 ऐसी बच गई जो बाकी 80 थी, उसमें से 65 सही कर दी, 15 अभी भी अनकरेक्टेड है, मैंने मना नहीं करी थी लेकिन ठीक नहीं करी। मैंने कहा यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फाइलिंग करनी है, इमीडिएटली फाइलिंग करनी है। क्या करोगे एज एन ऑडिटर आप? क्या सोच रहे हो दिमाग में? सोचो, इफेक्ट देखेंगे इसका किस पर? ऑन द एफएस, मटीरियल एंड परवेसिवनेस। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इफेक्ट इवैल्यूएट करोगे नहीं करोगे? साथ ही साथ वो जो 20 बची हुई थी, मैंने मना करा है, तुम इसे डिस्कस करोगे नहीं करोगे कि भाई साहब मना क्यों कर रहे हो? और अगर आप डिस्कस करने के बावजूद, क्या सिर्फ ओरल होगा या इंपॉर्टेंट होगा? बोलो, दैट मींस क्या करेंगे? दैट मींस मुझसे क्या चाहिए होगा आपको? रिटर्न। क्या बोलो? क्या? कि मेरे हिसाब से ये जो मिसस्टेटमेंट्स हैं जो मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, वो इतनी मटेरियल नहीं है। आगे वर्ड मटेरियल फिर से, जब आपने इफेक्ट की बात करी थी तो भी तो वर्ड मटेरियल एंड परवेसिव ही आया था। यस और नो? सो देयर यू आर। सो देखिए फ्रेंड्स, वंस दे हैव करेक्टेड, इसके बाद द ऑडिटर शैल, नंबर वन, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ रहा है अभी, यूएम, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। सर आपने कैसे एग्जाम क्लियर करे होंगे अपने इस हैंडराइटिंग के साथ, राइट? हैट्स ऑफ टू द एग्जामिनर। सो डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द एफएस। दूसरी बात, हाँ जी, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन और एमआरएल फ्रॉम हूम? बताओ जी, फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी। दैट यूएम आर नॉट मटीरियल, आर नॉट मटीरियल।
दिस इज SA450। सर खत्म हो गया? हाँ बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। वी आर नॉट सैटिस्फाइड, सो मटेरियल परवेसिव तो है ही, डिटरमाइन द इफेक्ट। ये तो हम एविडेंस ले रहे कि हां जी हमने कम्युनिकेट करा था, बट आपने उन्हें ठीक नहीं करा। बेटा मुझे एक बात बताइए, यूएम को आपने डिफाइन करना है ये देखते हुए, व्हाट इज एन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट मींस? यस, कैन आई से आई एम बट अनकरेक्टेड एट द एंड ऑफ द ऑडिट? सो ये लिखिए अपने पास मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली अपने पास नोट कर लीजिए बिल्कुल। यूएम इज इक्वल टू आई एम प्लस अनकरेक्टेड एट द एंड ऑफ ऑडिट, अनकरेक्टेड एट द एंड ऑफ ऑडिट। आर वी क्लियर? श्योर है हम? पक्का बेटा? चलो जी, सो दिस इज वॉट यूएम आई एम। अब जरा अपने पास एसए 450 का वो पॉइंट पढ़िए प्लीज, इसकी हेडिंग डाल लेना एसए 450। यार कभी सोचते रहो है क्या, नोट क्या कर लिया हमने? हां जी, एसए कौन सा है? 450 का सबसे कोर पार्ट है ये पूरा। यस, जो मेन पार्ट था वो यही, आत्मा यही है उस एसए की, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। और लोग इसको इतना, मतलब कई बारी मेरे को समझ में नहीं आता, बट मेनी टाइम पीपल आर लाइक, अरे पता नहीं ऐसे 450 में क्या है, ऐसे 450 में क्या है। पूरे ऑडिट में इसके अलावा पढ़ते क्या हम? मटेरियल है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है। सही बात, मटेरियल है तो और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओ या मॉडिफाई कर दो अपनी रिपोर्ट या विड्रॉ कर लो, नहीं है आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ जाओ। हां जी, ऐसे 450 क्या बोले बेटा? Evaluation of misstatements identified during the audit explains how materiality is applied in evaluating the effect of. Can I write IM over there on the audit and of UM on the FS? IM ka effect hamare audit par and UM ka effect on the FS. Kyunki opinion mein farak pad sakta hai. So materiality of IM and UM. Four points. First point AS1, second judgment, 3 320, 4 450. हाँ सर, ये भी अच्छा तरीका याद करने का, बट उनके नाम याद है आपको? ऐसे के ऐसे 320 का नाम materiality in planning and performing an audit. And 450, evaluation of misstatements identified during the audit of, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ऐसा आगे, हर एक जगह लगाने की जरूरत नहीं है audit, ठीक है, डन, ओके, चलो जी। अब पॉइंट फ्रेंड्स, ऑफकोर्स जो मटेरियल आइटम्स होंगे उसके रिगार्डिंग हम क्या ऑब्टेन करेंगे? मोर रिलायबल एविडेंस। सिक्स पॉइंट को क्रॉस, नहीं नहीं, सिक्स पॉइंट को करना, टिक करना, टिक करो। फर्स्ट सिक्स टिक है हमारे, of course they should be properly and separately disclosed in the FS. Seventh cross kar dijiye please. sir bahut acha lag raha hai. Ninth cross kar dijiye. Very good sir, thank you so much. Right, 10th cross kar dijiye. Thank you sir. 12th cross kariye, 13th cross kariye एंड 15th क्रॉस करिए। सर जो बाकी बचे हैं बेटा वही करने हैं, ऑफकोर्स आइए जरा करते हैं उन्हें और फिर क्लास कंक्लूड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियलिटी। हां जी, आज जाके आपको विश्वास होगा शायद मेरी बात पे कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में पार्ट 2 PNL अकाउंट का होता है, राइट? देख लीजिए एक बारी आप भी, लिखा हुआ है यहां पे पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3,
राइट रिक्वायर्स एट एनी एक्सपेंस एक्सीडिंग हायर ऑफ 1% ऑफ टीआर टोटल रेवेन्यू और 1 लाख शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली बाय वे ऑफ नोट्स एज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड शैल नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर आइटम अंडर. इसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग टेक्निक. हाँ भाई इतना अमाउंट है इससे ज्यादा का सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे. तो मिसलिनियस एक्सपेंस कहां आता है? पीएनएल अकाउंट में आता है. तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में नहीं डालेगा. अगर अमाउंट कितना होगा? सो अगर मैं बोलूं तो एक्सपेंस एक्सीड्स हायर ऑफ व्हाट बोलो जी 1% ऑफ टीआर या फिर 1 लाख. पक्का? तो पहले इन दोनों का हायर निकालेंगे, फिर उससे ज्यादा अगर होगा तो फिर हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे. क्या हम वैसे भी कर सकते हैं सर? सपोजली हायर निकलाया 1 लाख लेट सपोज, और जो एक्सपेंडिचर है वो 50,000 है, तो इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं डिस्क्लोज सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है. बट क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ये तो कंपल्शन कर दी कि अलग से रिपोर्ट करना ही होगा. कंपनीज एक्ट कम मटेरियल बता रहा है, वो कह रहे हैं अगर इस लिमिट से एक्सीड कर जाए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का 1% से ज्यादा अगर एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ मटेरियल एक्सपेंस, नो डाउट इन दैट. इज इट क्लियर? नंबर वन. नंबर टू, ये पॉइंट बहुत, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जरा समझिए, टेक्निकल सा है, हल्का सा, बहुत हल्का सा. ये आप मुझे समझाएंगे ना कि मैं आपको समझाऊंगा. ओहो, फीस तो हमने दी थी आपको. ऑलराइट, सो वेरी नाइस क्वेश्चन. बताइए बेटा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ट्राई तो करिए, हो सकता है गलत हो जाए. मैक्सिमम उससे ज्यादा क्या होगा? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Excellent, excellent, बिल्कुल सही, right? बिल्कुल सही है. देखिए अब जैसे कुछ भी आपने रॉ मटेरियल का टोटली दिखाया है. मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जो शायद आप में से कई लोगों ने जिन्होंने ऑडिट्स करे हो तो शायद आपने स्टॉक में भी देखा हो. जब आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट बनती है, फाइनल इन्वेंटरी की रिपोर्ट बनाइए. अरे तो ऑब्टेन करी होगी तो देखी तो होगी. अच्छा, तो वहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है सपोजिटली, ये एक अमाउंट का, कोई भी अमाउंट ले लो यार, 10 लाख का आ गया जी. कितने का? 10 लाख का. ठीक है, मैं बहुत ग्रॉस लेके चल रहा हूं अभी. अब आपके पास यहां पे रॉ मटेरियल आ रहा है, राइट, WIP आ रहा है और फिनिश गुड्स भी आ रहा है. ठीक है, ये 5 लाख है टोटल रॉ मटेरियल, ये 3 लाख है और ये 2 लाख है, जिस वजह से टोटल आपका 10 लाख हो गया. अब यहां पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहां पे अदर्स है, यहां पे अदर्स है, यहां पे अदर्स है. ये अदर्स में आएगा कोई एक फिगर. अब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का कोई कंपोनेंट क्या अदर्स में जाएगा या अलग से रिफ्लेक्ट होगा? उसके लिए बेंचमार्क कितना सेट कर दिया उन्होंने? 10% और मोर का. अब वो रॉ मटेरियल 1 है जी, रॉ मटेरियल 2 है, ये कितने का होना चाहिए कम से कम? तो अलग से डिस्क्लोज कर देंगे, अदरवाइज हम अदर्स में उससे डिस्क्लोज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. इज इट क्लियर? ऐसी इन्वेंटरी पूरी स्टेटमेंट्स बनती है, बहुत सारे होते हैं वहां पे, तो हेड्स लाइन लगा के कुछ चलती रहती है, शीट्स पलटते रह जाते हैं, इतनी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं. एक्सेल शीट्स पूरी की पूरी चल रही होती है, MS Access वगैरह सब चल रहा होता है, बिजी सॉफ्टवेयर,
ये सब टैली वगैरह यूज होते हैं, ईआरपी सिस्टम्स, ओरेकल और जो एसएपी वगैरह इन सब की यूज होते हैं, सैप। इज इट क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट, 10% पक्का। सो ये देखिए, अगर आप देखें तो वो तो पीएनएल अकाउंट था एक तरीके से, ये है एक पर्टिकुलर आइटम का ब्रेक अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अलग से कब डिस्क्लोज करोगे, जब 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर हेड है। सर क्या इसका भी 10% का फंडा हो सकता है? बिल्कुल इसका भी हो सकता है। अब आप देखिए ना, सारे 5, 3, 2 थे, सभी 10% से ज्यादा है, नहीं अलग दिखा दिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? दो एग्जांपल्स बेटा, तीसरा पार्ट तो शायद अब तो ये शायद आप समझ रहे हैं। इसको सिंपली क्या लिखोगे? नॉन रिकरिंग एंड एक्सेप्शनल नेचर डिस्क्लोज सेपरेटली, लिख लो सिंगल लाइन में लिख लो, नॉन रिकरिंग एंड एक्सेप्शनल नेचर ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, नॉन रिकरिंग एंड एक्सेप्शनल नेचर ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। आप देख सकते हैं आज मेरे पास इस बात का सबूत है, ये देखिए। इज इट क्लियर? श्योर है हम? सर हमें इस बात पे भी विश्वास नहीं है, आपकी किताब है, आप जो मर्जी लिखो, सही बात, जाइए गूगल पे सर्च करिए फिर, राइट सर, हो सकता है गूगल पे भी गलत दे रखा हो, जाइए फिर आपको जो करना आप कर सकते हैं, ठीक है, बेयर एक्ट के पास जाइए, ठीक है सर, बेयर एक्ट का हो सकता है जिसने छापो पब्लिशर उससे भी गलती हो गई हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे सीए के साइड इफेक्ट्स है जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। आइए वापस आ जाओ। नाउ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में मटीरियलिटी कहना है, से पूरा कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे लास्ट पॉइंट, समटाइम्स इवन स्मॉल अमाउंट्स कैन बी कंसिडर्ड मटीरियल। एग्जाम्पल क्या लिखा है जरा पढ़िए, वहां पे कौन सी फीस बोल रहे हैं? ये कौन सी फीस होती है जी? डायरेक्टर के बैठने की फीस? नहीं बेटा, ये कौन सी फीस होती है? फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स, राइट, मीटिंग्स ऑफ द कंपनी अटेंड करने के लिए कुछ पैसे दिए जा सकते हैं, उसे क्या बोले थे? सिटिंग फीस। पक्का? नाउ यहां पे मटेरियल की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने एग्जांपल लिया यहां पे, अमाउंट 100 रुपए लिया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में लिख दिया कि 100 रुपए देंगे हर एक डायरेक्टर को फॉर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब आपने एज एन ऑडिटर पूरे साल का ऑडिट किया और आपने देखा कभी 100 से ज्यादा दे रहे हैं, 120 दे रहे हैं, 130 दे रहे हैं, कभी 140 दे रहे हैं, लेकिन 100 कभी नहीं दे रहे, तो 20, 30, 40 रुपए की बात नहीं है यहां पे, देर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की नॉन कंप्लायंस मीन्स नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम मटीरियल। सो नॉन कंप्लायंस बाय स्मॉल अमाउंट्स में लीड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ अ लॉ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट स्मॉल अमाउंट्स में बिकम मटीरियल, सो देर इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ओवर हेयर एंड द कंपनीज एक्ट सेज दैट यू कैन नॉट ओवरराइड द आर्टिकल्स। याद है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वगैरह आपने सब करा था, अल्ट्रा वायस दी आर्टिकल्स हो जाएगा ये, तो ये बोल रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड वेरी वेरी लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, आइटम्स विद अ स्मॉल और निल बैलेंस, ये भी मटेरियल बन सकते हैं। मे अज्यूम मटेरियलिटी मतलब मे बिकम मटेरियल वेयर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी निल और इनसिग्निफिकेंट। एक अमाउंट जो निल होना चाहिए था वो निल निकला नहीं, राइट, और जो अमाउंट होना चाहिए था वो निल दिखा रखा है, ये कैसे हो गया भैया? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो निल नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्लोज योर बुक्स, खत्म हो चुका है आज का, थैंक यू सर। ऑलराइट, इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये वाला कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ए एंड बी आपने लर्न करना है, सी पॉइंट को क्रॉस कर दीजिएगा या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ट्रू एंड फेयर व्यू ए और बी पढ़ना है, ट्रू एंड फेयर याद करना है, लर्न पढ़ना मतलब मेरे को पता है आपका क्या होता है पढ़ना, फिर
हाँ जी, सी क्रॉस कर दो, आपने पूरा पढ़ रखा है सेक्शन 129, राइट। आप लोगों ने करना अभी कंपनी ऑडिट वन वगैरह जो आप करेंगे सो हो जाएगा, सो इसे क्रॉस कर दीजिएगा, सी आपको करने की जरूरत नहीं है। सर हमने क्रॉस का मतलब क्रॉस ही होता है, मान ले हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ऑपोजिट पेज पे डी पॉइंट को टिक करिए, सो इसका मतलब सर ये क्रॉस कर दें। सामने देखो 3 4 5 6 7 पूरा पॉइंट क्रॉस हो गया, नजर आया? हाँ बेटा ये भी क्रॉस जाए, ये देखो ये लो बेटा, ये टिक करना है डी पॉइंट, कभी इसको ना क्रॉस कर दिया हो आपने। और अगले पेज पे ई पॉइंट है, सो इफेक्टिवली आई एम रिपीटिंग ई और एफ, तो बेसिकली आपने क्रॉस क्या किया है, सी क्रॉस करा है आपने। सर कुछ और भी क्रॉस करवा दो बेटा, क्या सब्जी खरीद बेच रहे हैं? हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू 5 मार्क्स, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, और फिर एंड में आपका क्या रहे? ओहो, चलो एक गेम खेलते छोटा सा, जल्दी से इस पेज पे आना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपने एस बताने, एस नंबर बताने सिर्फ, ठीक है? बताओगे? चलो नहीं बताओगे, अच्छा बता देना, अच्छा बताओ यहां पे लिखते जाओ साथ में जरा, डेप्रिसिएशन का एस नंबर कौन सा होता है? लिखो 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 वहां पे, आप बताओगे? बिल्कुल A6। अगला बताओ जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कौन सा होता है? लिखो जी 6 7। फॉरेन करेंसी का 11, तो 6 7 11 आ गया अभी तक, जरूर नहीं भी पढ़ा तो कह रहे हाँ 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 ठीक है होता होगा। ओके, देन इज इन्वेंट्रीज का कौन सा होता है? 2, लिख लो वहां पे 2, कितने शान से बोल रहे हो। गुडविल का 26, चलो अच्छी बात है, लिखो। इन्वेस्टमेंट्स का 13 13। देन अगला रिटायरमेंट बेनिफिट्स 15 15, लिख लो वहां पे, आपके फाइनल में है, इसमें नहीं है। हाँ जी, देन रिकग्निशन ऑफ, रिकग्निशन वाला 9, रेवेन्यू रिकग्निशन लिखो लिखो। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पक्का अब इसका नाम क्या हो गया वैसे? AS10 अमेंड हो चुका है, हाँ तो इसी आपके अटेम्प्ट के लिए भी है एप्लीकेबल, AS10 प्लांट और उससे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये नाम हो चुका है, राइट? पक्का? अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, अगली बात ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज का एएस बताओ 29, पक्का? अब सामने देखो जरा एक बारी, मेरा क्वेश्चन ये है डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन से होते बेटा? अच्छा फॉरेन करेंसी के, कैसे शान से बोल रहे थे अब चुप हो गए, पढ़ के मत बताना है? अच्छा नहीं, अच्छा इन्वेंट्री तो बताया मैं, उसको छोड़ मैं पूछ भी नहीं रहा। वो गुडविल का या पक्का सुपर प्रॉफिट मेथड, और कोई? अच्छा इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा ये सब जो होते हैं, ये जो आप सारे मेथड्स लगा रहे हो इनको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसीज? पॉलिसी। सर देखो हेडिंग तो हमने पढ़ी ली है, तो ये सारी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स ये सारा आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जरा ऑपोजिट पेज पर क्वेश्चन 27 28 देखेंगे आप, ऑडिट के क्वेश्चन है ये, कितने कम नंबर के आए हैं आप देख रहे हैं बूढ़ी बाबा। ओहो नवंबर 2012 को ज्यादा ही दिलदार था इन पे, सो मई में भी आ गया था, यू नेवर नो सर, इसका तो दीने मान ही नहीं है, कभी नवंबर कभी मई, राइट? हां जी, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, डिस्कस द एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी, यही तो आपका इनकाउंटर हो जाता है इसमें, राइट? ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, बट एट द सेम टाइम प्लीज, शायद आपके पास एक समरी आ गई सारे एएस के कौन से मेथड्स होते हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस, ये आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूं प्लीज, इसमें देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस इन द क्लास। एंड बेटा आपका फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं? राय तो फैला दिया तुम लोगों ने फिर से पक्की बात ना, चलो
अब नहीं गलती करेंगे हम, हो गया सो हो गया, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, ये चैप्टर ओवर हो गया आपका, ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर।